शेरक नबी मेरे बारे में पूछते हैं कि मैं कितना करीब हूँ, तो क्या तो शेरक से करीब, तो वो तो बिल्कुल हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे पास है बिल्कुल। असल तो हम नहीं समझ रहे हैं, हम उसको दूर समझते हैं। और ये कैफियत अगर किस में पैदा हो गई तो वो तो वो वली हो गया बहुत बड़ा अल्लाह का। ये सिर्फ वो सोच ले कि मेरे साथ अल्लाह है हर वक्त, अब वो जिंदगी में कभी गुनाह नहीं कर सकता, ख्वाब में भी नहीं कर सकता। वो जब उसके यकीन ही हो जाए कि मेरे साथ अल्लाह है, जो खुद अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारी शेरक से करी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमईन। फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलल उक़दतु मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब यहाँ इस तलाश कद्र की पहली रात में जमा हुए हैं। अल्लाह पर ईमान कैसा हो, इस उनवान के ताल्लुक से चंद बातें रखने की कोशिश करूँगा। ईमान यानी कि अमन में आ जाए इंसान, और इस्लाम का माना भी यही है, सलामती यानी अमन, शांति, कि इस्लाम में आ गया यानी कि वो अमन में आ गया। और ईमान के बगैर इंसान अमन में नहीं होगा, जब तक उसके पास ईमान ना हो तो फिर वो अमन में नहीं होता है, और इस दुनिया में भी नहीं होगा, और आखिरत में तो फिर होना ही नहीं है, क्योंकि ईमान उसका मुकम्मल नहीं है। लेकिन यहाँ दुनिया के अंदर रहकर ये गुंजाइश रखी है उसके लिए कि वो इस कमी को, जो भी ईमान में कमी है, तो उसको वक्त को गनीमत जानकर, जहाँ उसकी उम्र है, जो भी उसके पास वक्त बचा है, वो अपनी कमी को ठीक करके ईमान को मुकम्मल कर ले, ताकि आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में से ना रहे। और ईमान के बगैर हमेशा की कामयाबी नहीं मिलने वाली, ये सब जानते हैं, सबको मालूम है कि बगैर ईमान के कामयाबी नहीं मिलेगी। वो ईमान के ताल्लुक से कितने भी छोटे दर्जे का हो, उसको मालूम है कि अगर ईमान नहीं मिल रहा सही, तो फिर उसके लिए आखिरत में कुछ नहीं है। कलमा जिसे कहा जाता है, और ये बात भी मशहूर है कि जिसका हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लम की, कि जिसने अगर जिसका कलमा रहा और जिसने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो जन्नत में जाएगा। अब इसके पीछे जो पस मंजर है इस हदीस के पीछे, कि अल्लाह के रसूल सल्लम, ये जो है अल्लाह के रसूल सल्लम दो किबार साहबा, बड़े साहबा, हजरत उमर और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु, इन दोनों के सामने ये बात कही थी कि जिसने अगर ये कलमा पढ़ा तो वो जन्नत में जाएगा। अब इसके पीछे ये है कि अब इसका जो मफहूम है, तो लोगों ने इस मफहूम को समझा नहीं, और सिर्फ वो ये समझते हैं कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, चला जाएगा, चाहे वो जो करे, लेकिन सिर्फ कलमा कह दे तो वो चला जाएगा। इसके पीछे ये कि अल्लाह के रसूल सल्लम एक बार अल्लाह के रसूल सल्लम मिले नहीं, सब सहाबा ढूंढ रहे और दुश्मनों का उस साजिश चल रही थी उस वक्त में, तो अल्लाह के रसूल सल्लम जब मिले नहीं, सहाबा परेशान हुए, ढूंढने निकले, कहीं मिल नहीं रहे थे, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको एक शुबा हुआ कि एक बाग था वहाँ पर, वो बाग पूरा जो है बाउंड्री से घिरा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि शायद वहाँ पर हो, उसके नीचे एक छोटा सा हार एक छेद हो रहा था दरवाजे के नीचे हल्का सा, तो वहाँ से उन्होंने घुस के वो अंदर घुसे लेट कर, अंदर जाकर उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लम वहाँ पर थे। और अल्लाह के रसूल सल्लम वहाँ पर जब थे वो चार दीवारी के अंदर, तो जब वो पहुँचे अल्लाह के रसूल सल्लम के पास में, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पोजीशन में थे कि वो जैसे कि अपने में ना हो, इस दुनिया में ना हो, और ख्यालों के अंदर वो खोए हुए थे। उस ख्यालों के अंदर ही उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, हम आपको ढूंढ रहे, सब सहाबा परेशान हो रहे, आप यहाँ बैठे, वो ख्याल में थे। उसी ख्याल के अंदर उन्होंने कहा कि अबू हुरैरा, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह तो वो जन्नत चला जाएगा, उसके लिए जन्नत। अबू हुरैरा ने जैसे ही ये सुना कि ये तो बिल्कुल आसान बात हो गई, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो वो तो जन्नत चला जाएगा, तो वो फौरन दौड़े बाहर कि मैं लोगों को बता दूं इतनी बेहतरीन बात कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कोई कह दे और जन्नत में दाखिल हो जाएगा।
और जैसे ही बाहर निकले वो, और बाहर निकलते से ही जो उनका पहला टकराव हुआ वो हजरत उमर से हुआ। हजरत उमर वहाँ पर खड़े हुए बाहर, वो भी आ रहे थे, ढूंढ रहे होंगे तो वो भी सामने मिले। अब जैसे उनके पास में पूछे, उन्होंने बोले कहाँ जा रहे हो इतनी भाग के? बोले मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मिल गए वहाँ पर थे, उन्होंने मुझसे ये कहा। बोले क्या कहा? बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने कहा वो जन्नत में चला जाएगा। और मैं बताने के लिए वो फिर आगे बढ़ने लगे, तो हजरत उमर ने उनको पकड़ा और एक ज़ोर से उनको एक चाटा खींच कर दिया, इतनी ज़ोर से दिया कि उनकी आँखों से आँसू निकलने लगे। अब ये नहीं कि बस कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु झूठ बोल रहे होंगे, उनको वो शक बिल्कुल नहीं था। उनको ये था कि मतलब अल्लाह के रसूल ने कहा होगा, ये भी नहीं कि कहा ही नहीं होगा और ये अपनी मर्जी से कह रहे हो। अल्लाह के रसूल ने सल्लम कहा होगा लेकिन उन्होंने गलत सुन लिया, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो जानते थे ईमान का तकाजा क्या है, कलमे के तकाजे क्या हैं। तो सिर्फ खाली मुँह से कह दे और वो जन्नत चला जाएगा, तो उनको वो रहा नहीं। तो उन्होंने कहा और पकड़ के फिर उन्होंने हाथ पकड़ा उनका मजबूती से और खींच कर वो ले गए अल्लाह के रसूल सल्लम के पास। तो पहुँचे वहाँ जाकर, तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लम, और अल्लाह के रसूल फिर वही पोजीशन में थे, खोए हुए थे किसी ख्याल के अंदर। फिर उन्होंने जाके कहा कि देखो ये अबू हुरैरा क्या कह रहे हैं। बोले जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो जन्नत चला जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा हाँ उमर, जिसने पढ़ा वो चला जाएगा। लेकिन जो जिस लिहाज से अल्लाह के रसूल सल्लम ने कहा हजरत उमर से, तो उनको समझ में आ गया कि सिर्फ ला इलाहा कहने से नहीं चला जाएगा, उसके पीछे के जो तकाजे हैं उस पर जम जाना, उसके हिसाब से काम कर जाना, जो इलाह हम जिसको मान रहे हैं कि उस इलाह के अलावा कोई नहीं है। तो उनका मफहूम जब हजरत उमर के समझ में आया कि हाँ ये मफहूम के साथ में है, तो फिर हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल सल्लम, क्योंकि जैसे ही ये निकले थे और जो ये समझ के निकले कि सिर्फ जिसने कह दिया मुँह से, और जैसे ही इन्होंने मुझसे कहा था और जैसा मैंने समझा कि अगर मुँह से कह दिया तो ये तो लोग भी, अगर लोगों के पास में ये बात जाएगी तो वही इतना समझेंगे, वो पूरा मफहूम थोड़ी समझेंगे, वो भी ये समझेंगे कि जिसने मुंह से कह दिया था तो जन्नत चला जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह के रसूल ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि बात सही है तुम्हारी। तो अल्लाह के रसूल ने दो किबार साहबा हजरत उमर और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, इनके सामने ये बात कही कि इसको बाहर नहीं जाना चाहिए, इनकी आवाम तक नहीं जाना चाहिए। आवाम कौन थी उस वक्त? आवाम भी साहबा है, लेकिन साहबा के अंदर भी पोजीशन थी, कुछ उसमें उलमा थे, कुछ हाफिज़ थे, कुछ बहुत ज़्यादा समझदार थे, कुछ नीचे लेवल के थे, हर तरह के साहबा थे। लेकिन उनसे भी कहा कि साहबा तक, दूसरों तक, आम लोगों तक ये बात जानी नहीं चाहिए। उन्होंने उसको रोक लिया, बोले इसको बयान मत करो, बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज ये बात हर तरफ जा रही है, सब तरफ जा रही है, ऐसा कोई मसलक कोई फिरका नहीं जो ये बात नहीं उठाता, जबकि अल्लाह के रसूल मना किया कि बाहर नहीं जानी चाहिए, यानी आवाम तक नहीं जानी चाहिए। खास तक तो थी वो, तो खास तक हो जो समझते हैं और उन लोगों को समझाएं, लेकिन आम नहीं होनी चाहिए, ये तो अल्लाह के रसूल मना फरमाएं। लेकिन ये तो अल्लाह के रसूल के खिलाफ फर्जी है कि आज ये बात सबको पता है, सबको मालूम है, और इस बात का वो दावा है, वो अमल से कोई उसका लेना देना नहीं, वो सिर्फ कि ला इलाहा इल्लल्लाह जिसने पढ़ दिया जन्नत, अब कोई ज़रूरत ही नहीं। तो वही बात हुई जिसकी शंका हजरत उमर ने कही थी कि ये हो जाएगा, और वही बात आज हो रही। और ऐसा हो गया कि जैसे नशा हो, नशे की तरह फील रहा है जिसको भी, अगर कुछ के भाई तुम अमल ही नहीं करते हो, कुछ नेकी का काम करो, कुछ नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, कैसे जाओगे? अरे जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया जन्नत, अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया। तो ये ड्रग्स जैसा हो गया है कि लत जैसी हो जाती है वैसे इसको फैला दिया गया, जबकि अल्लाह के रसूल ने उसको रोका था। और इसी तरह की एक हदीस में और मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लम के पास में गांव से एक बदू आया, और उन्हें कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम देखो मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो गांव का हूँ, मुझे ज़्यादा समझ नहीं, तो मुझे ऐसी, मैं ज़्यादा जानता नहीं, तो ऐसी बात कहो ताकि मैं समझ लूँ और लोगों को समझा सकूँ उस चीज़ को। तो ये हदीस उसी, इस वाली हदीस की, ला इलाहा इल्लल्लाह की, ये उसकी तशरीह मान लें आप, ये उसकी तशरीह। तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने उसे फरमाया कि कहो कि कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह फस्तकीम, कि तुम के लोगों से कहना जाकर और कहो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं, और फिर उस पर जम जाओ, कायम हो जाओ उस चीज़ पर। अब उस पर कायम हो जाओ तो ये उसकी तशरीह के क्या कायम हो जाना। और इला, इला जो है, वैसे तो इला का तर्जुमा किसी भी लैंग्वेज में, जो अरबी का लफ्ज़ है इला, उसका किसी भी लैंग्वेज में उसका तर्जुमा हो नहीं सकता है, कि उसका मुतबादिल है ही नहीं कि किसी में हम उसका मफहूम या किसी चीज़ को निकाल लें। लेकिन अब चूंकि जहाँ कुरान में आएगा, हदीस में आएगा, तो उसके नीचे तर्जुमा लिखना होगा,
तो उसमें इतना सा लिख लेते हैं कि भाई कि कोई पूज्य नहीं, कोई इला नहीं, कोई माबूद नहीं, इससे ज़्यादा क्या लिखेंगे। अगर मफहूम लिखेंगे, उसकी तस्री लिखेंगे, तो कोई पेज और किताबें भर जाएंगे। लेकिन क्योंकि तर्जुमे में लिखना तो इतना सही लिखा जाता है, तो इला, तो इला को बहुत छोटा हम समझते हैं। बाकी इला जो है, इला ऐसा एक लफ्ज़ है कि जिसके अंदर हैरत है, बेपना हैरत का लफ्ज़, यानी बोल रहे थे उसके बेपना हैरत है उस लफ्ज़ के अंदर। और ये सबसे ऊपर है, ये मालिक है जिसने सबको पैदा किया। ये बंदगी भी है इसके अंदर, इसके अंदर कानून है, इसके अंदर ताकत है, इसमें इक्तदार है, इसके अंदर पावर है अल्लाह, इला लफ्ज़ के अंदर ये सारी चीज़ें इसके अंदर है कि तेरे अलावा किसी की बात, किसी का कानून नहीं चलेगा, सिर्फ तेरा ही कानून चलेगा, ये इला का मतलब है। और भी कई सारी चीज़ें हैं कि सिर्फ इला के अंदर हम देख सकते हैं कि ये इला का मतलब है। सिर्फ इतना सा नहीं कि पूज्य नहीं है कोई तेरे अलावा, ये कोई माबूद नहीं है सिर्फ तेरे अलावा। तो अब ये है कि हालांकि कुरान के अंदर भी इसके ताल्लुक से बदलाया गया, और ये कानून अब हम कह तो रहे हैं कि अब तेरे अलावा कोई इला नहीं, कोई पूज्य नहीं, हमने कह दिया, कहते भी हैं कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह कि तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। लेकिन उसके बाद भी क्या इंसानों ने जो कानून बनाए, जो मुसलमानों ने खुद कानून बनाए, मुस्लिम मुल्कों में मुसलमानों ने अपने कानून बनाए, जबकि अल्लाह के वाज़ेह कानून मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी अपने कानून उन्होंने बनाए। तो अब ये है कि वो के कम से कम कोशिश तो हो उसको हटाने की, कि उस कानून को हटाने की, कि अल्लाह के कानून को नाफिस किया जाए, कोशिश भी ना हो और सिर्फ उस कानून को मान लिया जाए, तो फिर वो इलाह का मतलब उसने जाना नहीं। ये कम से कम उसके अंदर कोशिश कि अल्लाह की रजा के लिए मैं इस कानून के लिए खड़ा हूँ, इसके लिए अप्लीकेशन दूँ, लोगों को तैयार करूँ कि कानून नहीं चाहिए, कम से कम मुस्लिम मुल्कों में, तो ये भी नहीं है। तो ये है कि अल्लाह के कानून को नाफिस होना चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। और ये अपने दिलों की बात, कम से कम दिल में तो हो, लेकिन दिल में भी नहीं है, हम उसी कानून पर मोहर लगाते जाए, उसी कानून को मानते जाए, तो फिर वो इलाह का माना हमने नहीं जाना। ज़ुखरुफ़ सूरह नंबर 45 आयत नंबर 23 में अल्लाह ने फरमाया कि अफरायता मन इत्तखज़ा इलाहु हवा, कि भला आपने उसको देखा ये नबी, या आपने उसको देखा जो उसने अपनी ख्वाहिशात नफ्स को इलाह बना लिया, इला बना लिया, अपनी ख्वाहिश को इला बना लिया, अपनी तमन्ना का बंदा बन गया, जो उसकी तमन्ना है, जो उसकी आरज़ू, उसका वो बंदा बन गया, यानी उसके इला, यानी कि उसके सिवा इला नहीं, यानी तौहीद है इसके अंदर, ये ईमान का पहला हिस्सा है, तौहीद इसके अंदर शामिल है। लेकिन जिसने ख्वाहिशात को अपना इला बना लिया, जब रब ने ये बात कही, आदमी बंदा मुसलमान कह रहा है कि मैं ईमान वाला हूँ, और उसके एक बरखिलाफ़ काम करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया उसके बरखिलाफ़ काम करता है, तो गोया उसने अपनी तमन्ना को, अपनी ख्वाहिशात को इला बना लिया, शिर्क हो गया। अब चाहे वो दरगाह नहीं जाता हो, गैर माबूद को मंदिर नहीं जाता हो, किसी बुत को नहीं पूछता हो, अल्लाह के अलावा किसी से मांगता नहीं हो, लेकिन अपनी नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को उसने अल्लाह के कानून के खिलाफ, अल्लाह की रजा के खिलाफ इस्तेमाल किया, शिर्क हो गया। क्योंकि उसने अपनी तमन्नाओं को, अपनी आरजू को उसने इला बना लिया। तो हमारी जो ख्वाहिश है वो अल्लाह की रजा के लिए हो, उसकी मर्जी, उसके कानून के हिसाब से, ऊपर उससे ऊपर नहीं जाएगी, चाहे दिल में बात आ रही हो लेकिन जुबान पे नहीं आएगी, अमल में नहीं आएगी, तो फिर इला मानना हुआ कि हमने उसको इला माना। वो सब उसके तहत रहेंगे जो अल्लाह ने बताया, जो कानून जो उसने हमको दिए, फिर उस पर कायम रहना, और फिर कायम रहना यानी कि ज़िंदगी पर उससे हिलना नहीं, उसको कहते हैं कायम होना, कि ज़िंदगी भर वो उससे हिले नहीं और ये सिलसिला टूटे नहीं, तो फिर ये कलमा जो फिर वो कहेगा ये सब के रहने के बाद, फिर वो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर वो जन्नत जाएगा। लेकिन सिर्फ जुबान से कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह तो वो जन्नत नहीं जाएगी, इसीलिए इस बात को जो छुपाया गया था। लेकिन आज ये है कि बस इसका नशे की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और इसको कहा जा रहा है कि बस कह दो, बहुत है, काफ़ी इतने। हालांकि कुरान में अल्लाह ने कहा जो सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 241 में, अम हसिबतुम अन तदखुलू जन्नता वलम्मा यतीकु मसलुल लजीना खलो मिन कबलिकुम, कि क्या तुम ये ख्याल करते हो कि जन्नत में तुम यूं ही दाखिल हो जाओगे हालांकि तुम्हें वो हालात पेश ही नहीं आए जो पिछले लोगों पर आए। उसकी डिटेल बताई गई थी पूरी के क्या लोगों के हालात आए, वो तो हाल, तो हम तो तुम्हें आजमाएंगे, वो बिने बगैर आजमाइश के ईमान तो होता ही नहीं है, तो हम तो तुम्हें आजमाएंगे बगैर आजमाई के। तुम सोचो कि सिर्फ तुमने ये ख्याल कर लिया कि हम जन्नत चले जाएंगे, सिर्फ कह दे कि हम ईमान वाले, तो हमने तुम्हें आजमाई नहीं। और ऐसी कुरान के अंदर दसियों आयत है जिसके अंदर बार बार ये बात दोहराई गई कि हम तो आजमाएंगे तुमको, पूरी दुनिया आजमाइश की जगह है, तो उसके बगैर तो फिर ईमान नहीं। तो दावों का टेस्ट होगा, उसमें देखेगा अल्लाह के कोई भागता तो नहीं है इसके अंदर से,
उसके बाद की बात है कि उसमें पास होता है तब उसके बाद फिर कामयाबी है। लेकिन अक्सर ये समझते हैं कि बस मुसलमान घर में पैदा हो गए तो जन्नत ही है। अब उसके अंदर वो जो बातिल पर मुसलमान है वो भी यही समझता है, जो हक पर है वो भी यही समझता है कि हम मुसलमान के घर में पैदा हो गया, तौहीद के घर में पैदा हो गया, मेरे लिए जन्नत है। वो भी ये समझता है कि हम जन्नत में चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर अल्लाह अगर दो बच्चों को एक दिन में पैदा करता है दो अलग अलग घरों के अंदर, एक आलिम के घर जो दीन के आलिम है बड़े मुफ्ती, उनके यहाँ पर एक बच्चा पैदा होता है, और एक बच्चा किसी पुरोहित के यहाँ पर जो पूजा करता है मंदिर के अंदर, गैरुल्लाह की इबादत करता है, बुत पूजा करता है, उसके वहाँ एक बच्चा पैदा होता है, दोनों एक सेम टाइप। अब वो बच्चे अपने बाप को देखते हैं, आलिम के बच्चे ने उसके बाप को देखा कि मेरे वाली जो है रोज़ पांच वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, रमज़ान के अंदर जकात देते हैं, हज पर गए, तो वो भी वही करने लगा। जैसा जैसा वो बताते कि भाई नमाज़ के अरकान ये है, चीज़ें हैं, तो वो फॉलो करके और उन्हीं के साथ नमाज़ पढ़ने जाने लगा। वो जाके वो दूसरा जो वहाँ पैदा हुआ तो उसने भी उसके बाप को देखा कि मेरे बाप जो है ये मानते हैं, ये पूजा करते हैं, ये फला करते हैं, ये इनके कर्मकांड है, ये जो हवन करते हैं, तो वो भी वही करने लगा, इस यहाँ पर जाना वहाँ पर जाना, और ये चल गया। अब वो दोनों अपने बाप को फॉलो करते हुए दोनों की ज़िंदगी पूरी, दोनों मर गए, अल्लाह के सामने दोनों पेश हो जाए। अब अल्लाह के यहाँ क्या ये होगा कि ये आलिम के घर में था और इसने किसी को पुकारा नहीं अल्लाह के अलावा, तो फिर ये अल्लाह कह देगा इसको जन्नत भेज दो और इसको जन्नत में उठा के डाल दो। अल्लाह की ना इंसाफी हो सकती है? नहीं हो सकती अल्लाह की ना इंसाफी। कैसे भी इस बात पर कि वो सिर्फ घर में पैदा हो गया मुसलमान तो इसको उठा के जन्नत डाल दो, और ये जो है गैर मुस्लिम, ये जबकि उसके इख्तियार में भी नहीं था, ये तो अल्लाह के इख्तियार में था कि वो चाहे जिसको जहाँ पर पैदा करे, तो चाहे वो मुसलमान घर के अंदर पैदा हो उसको भी सोचना समझना पड़ेगा कि ईमान क्या है, वो अल्लाह की किताब में क्या, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार के फिर जाएगा खुद समझकर। सिर्फ ये नहीं कि बाप को देख लिया कि मेरा बाप आलिम है तो उसके भरोसे में चला जाऊँ, तो वो जन्नत में अल्लाह उसको नहीं डालेगा, नहीं तो वो फिर वो जो गैर मुस्लिम है वो तो खड़ा हो जाएगा, अल्लाह मेरा कसूर क्या है ये तो बताओ, मेरे को जन्नत में डाल रहे हो, लेकिन पहले ये तो बताओ ये इनके इसके बाप के यहाँ पैदा हुआ तो ये तो जन्नत जा रहा है कि भाई ये मुसलमान के घर आलिम के घर पैदा हुआ, और मेरे से तो आपने पूछा भी नहीं कि तुझे कहाँ पैदा होना है, पैदा भी आपने किया, और जो मेरे बाप ने किया मैंने कर दिया, जो इसके बाप ने किया ये कर दिया तो ये जन्नत, और मेरे बाप ने जो किया तो मैं जहन्नम चला जाऊँ, तो ये तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी अल्लाह की तरफ से, क्योंकि उस बेचारे के पास तो इख्तियार भी नहीं था। तो ऐसा नहीं होगा, इसके लिए ये है कि पहले तो उसको सोच समझ कर ईमान लाना होगा। मुसलमान घर के अंदर पैदा होने से कोई मुसलमान नहीं होता है। अगर किसी को किसी डॉक्टर के पास में जाना हो कि डॉक्टर के पास उसके भाई तबीयत खराब हो रही है, इसको बुखार आ गया हो, बोले डॉक्टर खान को दिखा लो, अब उस सिटी में तीन डॉक्टर हो खान, तो फिर वो पूछेगा कि कौन सा खान, सलीम खान, कलीम खान, नईम खान, किस खान को दिखाना है, तो उसको एक बताना पड़ेगा, इसको दिखाना पड़ेगा। अब ये जो है ये एक नाम जो उसको ये तो नसब से मिल गया खान, ये तो फैमिली उसका सरनेम था, तो ये तो उससे मिल गया उसको, ये खान पठान या जो भी सरनेम होते जिसके, तो वो नस्ली चले आते हैं बस इस पर, इस खानदान से, तो वो मिल जाता है वहाँ से। एक दूसरा नाम उसके वालिद ने वालदेन ने दिया उसको, उसका नाम जो भी रखा उन्होंने, सलीम कलीम या जो भी नाम रखा, तो ये उनने दिया। लेकिन एक जो उसके पास में, अब ये तीन उसके वहाँ पर नाम के अंदर तीन चीज़ें, वो डॉक्टर है, वो सलीम है, और वो खान है, लेकिन खान तीनों के अंदर है, डॉक्टर तीनों के अंदर, और एक नाम अलग अलग है उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर नाम तो माँ बाप दे देंगे, मिल जाता है नाम, हर बच्चे को मिलता है, नी भी हो किसी बच्चे का नाम तो लोग रख देते, किसी बच्चे का नाम मालूम नहीं होता तो वो उसका नाम रख देते, बगैर नाम के तो कोई होता नहीं। तो और फिर एक ये है कि खानदान से भी मिल जाता, जिस नसब से वो नाम मिल जाता, लेकिन डॉक्टर के लिए ये उसको तमगा पाने के लिए, अपने नाम के आगे लगाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये डिग्री हासिल करनी पड़ेगी, तब जाके डॉक्टर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। बाकी नाम मिल जाएगा, खानदान का नसब मिल जाएगा, लेकिन डॉक्टर तो उसके अंदर नहीं लगेगा। तो इसके लिए करना होगा कि सबसे पहले तो उसको एक मेडिकल कॉलेज को तलाश करना होगा, फिर तलाश करने के बाद में उसको वहाँ पर एडमिशन लेना होगा, एडमिशन लेने के बाद में जो उसका कोर्स है उस कोर्स को पढ़ना होगा, फिर बीच में थोड़े थोड़े टेस्ट आएंगे उसको भी देना होगा, फिर उसके बाद में फाइनल एग्ज़ाम आएगी, वो एग्ज़ाम में जब पास होगा तब जाकर उसको डिग्री मिलेगी, तब जाके उसका नाम डॉक्टर होगा, तब जाके वो डॉक्टर होगा।
लेकिन अगर उसके अंदर भी वो काम ना करे, सिर्फ डिग्री लेकर बैठ जाए, उसके बाद कहेंगे डॉक्टर साहब तो कहेंगे अरे ये तो कहना फर्जी है, काम तो करा ही नहीं, इलाज तो किसी के ही नहीं करा, एक सर दर्द की गोली किसी को लिख के नहीं दी, तो इसे नाम डॉक्टर की का फायदा क्या। तो वैसे ही एक अब कोई माँ बाप भी लाख चाहे, अगर उसके माँ बाप किसी के माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं और वो चाह रहे हैं कि हमारी औलाद भी डॉक्टर बन जाए, लेकिन वो लाख चाह ले, लेकिन वो बच्चा, लेकिन वो बच्चा जो क्या होगा, वो बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, चाहे उसके माँ बाप कितने ही चाहते हैं उसे, लेकिन डॉक्टर बन नहीं सकता। क्यों? जब तक कि बच्चा खुद ना चाहे, वो खुद वो एडमिशन करवा भी दे उसको, लेकिन वो जब तक पढ़ाई नहीं करे, इम्तिहान के अंदर पास नहीं होगा, वो डॉक्टर नहीं बनेगा, चाहे उसके माँ बाप कितना ही तमन्ना और ख्वाहिश रखते हो, तो वो नहीं बनेगा। तो वैसे ही मुसलमान के घर अंदर, घर के अंदर पैदा होने से कोई मुसलमान कैसे हो सकता है? किसी भी इसलिए हो जाएगा कि उसके माँ बाप, उसके दादा, उसके मामू और ये सब मुसलमान है, तो इसलिए भी मुसलमान हो जाए, तो इसे मुसलमान नहीं होगा। उसके लिए तो ये है कि फिर उसको उसके लिए तो उसको ईमान को समझना होगा, उसकी तहकीक करनी होगी, फिर ईमान लाना होगा, ईमान लाने के बाद में उस इल्म मेहनत से जांच परख कर इल्म हासिल करना होगा, क्योंकि इल्म भी आज बहुत हमारा बिखरा हुआ है, तो उसको जांच परख कर इल्म को हासिल करना होगा, और इल्म हासिल करने के बाद में फिर आजमाइश आएगी, उसमें खरा उतरेगा, तब जाकर वो ईमान वाला होगा, फिर जाके वो मुसलमान होगा। सिर्फ पैदा हो जाए और कह दे कि हम चले जाएं जन्नत में, तो ये तो नहीं होगा। और ये फिर उसके बाद फिर मुसलमान हो गया तो सिर्फ ऐसा मुसलमान, वो तो कुरानी मुसलमान बनना पड़ेगा उसको, जो कुरान और अल्लाह के रसूल हदीस में फरमाया, अल्लाह के रसूल में सीरत को देखना पड़ेगा, वो वैसा उसको बनना पड़ेगा कि लोगों को फ़ायदा भी पहुँचाना पड़ेगा, तब जाकर वो मुसलमान होगा। ये नहीं कि मुसलमान हो गया, अपनी नमाज, अपना रोज़ा, ज़कात करा और मर गया, भाई तुमको भेजा ही इसलिए, मकसद बताया कुरान के अंदर तुम्हें भेजे जाने का मकसद, लोगों को बुराई से रोकना और भलाई नेकी की तरफ बुलाना, तो फिर वो पूरा कामयाब होगा, नहीं तो वो कामयाब नहीं होगा। इसके ताल्लुक से अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 136 में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताब, के ईमान वालों ईमान लाओ अल्लाह पर, रसूल पर, उसकी किताबों पर जो उसके रसूल पर नाजिल हुआ, यानी कुरान के ऊपर। लफ्ज़ क्या है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, के लोगों ईमान वालों, किससे किया जा रहा है? एक तो अल्लाह कहता है कि लोगों से कहता है कि लोगों ईमान लाओ, या ईमान वालों से अल्लाह कह रहा है कि ईमान वालों ईमान लाओ फिर से। अब वो तो पहले से ही लाए ना ईमान, पहले उन्होंने समझा तभी तो उनका ईमान है, तब तो ईमान वाला, तो अल्लाह फिर उनसे भी कह रहा है वापस के देखो फिर से ईमान लाओ, तुमको सोच समझ होगा, सिर्फ ये मत समझो कि तुम कलमा पढ़ लिया तुमने तो मुसलमान घर के अंदर पैदा हो गए, तो सोच समझ कर फिर से ईमान लाओ, तो गौर करके ईमान लाना होगा, रेडीमेड ईमान नहीं चलेगा, जो चलता आ रहा है ये पिछला जो चला था उससे चल जाएगा। अब कुछ कहते हैं कि नहीं ईमान तो है, ईमान तो बहुत है हमारे अंदर, ईमान तो कूट कूट के भरा हुआ है, जान देने को तैयार है जरूरत पड़ जाएगी, लेकिन अमल की मत बोलो, तो बगैर अमल के ईमान होता ही नहीं मुकम्मल, ये दोनों अलग अलग नहीं, एक ही चीज़ है। साहब वो कहते कि नहीं बस ईमान तो बहुत मजबूत है, नहीं है मजबूत, जितना अमल होगा उतना ही ईमान होगा, वो भाग जाएगा सिर्फ बोल रहा है, ठीक है, अमल नहीं है तो फिर वो ईमान उसका मुकम्मल नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद में कई लोग ये भी कहते हैं कि नहीं वो ठीक है, कुछ गलतियां तो हो जाती है, कथाएँ हो जाती है, ठीक है, नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, रोज़े नहीं रख पा रहे हैं, नेकी का काम नहीं कर पा रहे हैं, अपने में ही लगे हुए सर, तो कहते हैं नहीं वो तो है, लेकिन फिर भी क्या है कि जन्नत तो मिल रही है ना, कि हमने तो कलमा पढ़ा, मुसलमान हैं हम, तौहीद पर है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह आले इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 24 में अल्लाह ने फरमाया। यहूद कहते हैं, यहूद क्या कहते हैं कि आग हमें छुएगी भी नहीं और हम अल्लाह के महबूब बंदे हैं, और अगर हुआ भी कि कभी हमको जहन्नम जाना भी पड़ा तो चंद दिनों के लिए जाएंगे और फिर जन्नत भेज दिया जाएगा। अब ये बात हमें क्यों बताई अल्लाह ने कुरान के अंदर, कि यहूद कह रहे थे बात, तो हमको बताने की क्या जरूरत, अल्लाह ने हमको कुरान में रखी है हमारे लिए कि देखो कहीं तुम आगे जाके ये मत कहना। और आज हम देखे हर आदमी यही कह रहा है, भाई ईमान तो है, कुछ गलती कोताही हो जाती है, थोड़े दिन चले जाएंगे उसके बाद तो फिर हमको जन्नत मिलना ही है, तो ये तो यहूद कहते थे, तो किसकी सिफत अपना रहे, ये तो यहूद कह रहे हैं। ये अल्लाह ने कुरान में बताया कि ये तो तुम्हारे अंदर ये सिफत कैसे आ गई, अब सिर्फ कलमा ऐसे पढ़ लें कि उसके तकाजे ना जाने, अमल ना हो उसके ऊपर, और फिर कैसे जन्नत जाएगा? और इसको तो कलमे को ड्रग जैसे इस्तेमाल किया जा रहा है कि बस इसने कह दिया तो वो जन्नत चला जाएगा।
और ये अल्लाह के रसूल ने मना भी फरमाया कि बात बाहर नहीं जानी चाहिए, यानी आवाम तक नहीं होनी चाहिए, खास तक तो रहे लेकिन आवाम तक नहीं जानी चाहिए। लेकिन फिर भी बात यहाँ में खास लोग, बल्कि खास लोग तो इसी को खास लोग फैला रहे हैं कि भाई जितने कह दो आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने कह दिया वो उसके बाद चाहे जो करता रहे। खास लोग तो ये बता रहे, ये तरकीब उनको दिला रहे और ये बताया कि तो, जबकि जो बताना था वो जो बताना असल उसको छुपा दिया, और जो नहीं बताना था इसको अल्लाह के रसूल ने कहा था कि ये छुपाना ये बात को, तो उस बात को लोगों में फैला दिया, वो बात फैल रही है, और जिस बात के लिए कहा गया था वो बात जो है रुक गई। और ये बात बताकर, इस तरह की बात बताकर खास लोगों ने मुसलमानों को मीठी नींद सुला दिया, मीठी नींद सो रहे हैं कि ये बात बस उन्होंने अब ये सोच लिया कि बस कलमा जिसने पढ़ लिया और पढ़े हो गया उसका ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अब उसके बाद सो गए मीठी नींद कि अब कोई जरूरत ही नहीं किसी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, अच्छा कलमा ये हो गया तो वो ये हो गया, और लोगों ने उनको सुला दिया। अब हदीस तो बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, लेकिन इसकी कोई तशरीह ऐसी नहीं होगी जो कुरान की साफ आयत के खिलाफ हो, क्योंकि सिर्फ इतना सा कोई कह दे कि ला इलाहा इल्लल्लाह और जन्नत चला जाएगा, तो अल्लाह तो कुरान में कह रहा है कि हमने तुम्हें आजमाई नहीं, अभी तो तुम आजमाए जाओगे, तुम क्या सिर्फ यूं कह देने से कि हम ईमान वाले जन्नत चले जाओ। तो इसके मफहूम को उसको समझना होगा, तो ला इलाहा ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, फिर बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ ये एक लफ्ज़ नहीं है, सिर्फ दो लफ्ज़ नहीं है कि सिर्फ इसको कह दिया जा रहा कोई जन्नत चला जाएगा। ईमान क्या है कि यकीन, ईमान ये है कि जैसे एक चोर भाग रहा है, पुलिस भाग रही है चोर के पीछे, अब वो चोर भागते भागते ऐसी जगह पहुंच गया कि सामने दरिया आ गया, समुद्र आ गया, अब जाकर वो, अब वो बचने के लिए भाग तो रहा था जी जान से, लेकिन सामने देखा कि अब तो ये तो कुछ भी नहीं हो सकता, पीछे जाने का रास्ता नहीं, पीछे पुलिस आ गए तो कूदूंगा, तैरना नहीं आता, मर जाऊंगा, अब वो नहीं कूदेगा। ये उसका ईमान है कि अगर कूदा तो मर जाऊंगा, पर कुछ ये अगर पुलिस ने पकड़ भी लिया तो ठीक है थोड़े दिन सजा दे देगा, मारेगा कूटेगा, लेकिन जान तो नहीं जाएगी, कम से कम जान से तो बच जाऊंगा, ये उसका ईमान। इस तरह कहीं आग लग जाए या कोई एक चोर चोरी करने जा रहा है और उसको मालूम, उसको अगर नहीं मालूम है उसको, तो आदमी चोरी कर लेता है कि सीसीटीवी कैमरे लगे, अगर उसको मालूम है कि सीसीटीवी कैमरे, या तो पहले मुंह ढकेगा या वायरों को काट देगा फिर जाके चोरी करेगा, लेकिन कैमरे के सामने तो नहीं जाएगा। ये उसका ईमान है कि पकड़ा गया तो ये सब जो माल चुराया वो भी जाएगा और ज़िंदगी भी बेकार हो जाएगी, ये उसका ईमान। किसी बिल्डिंग में आग लग गई, सीढ़ियों के अंदर आग लग रही, और लोग सीढ़ियों से नहीं भागे क्योंकि उनको मालूम है कि सीढ़ियों से जाएंगे तो मर जाएंगे, वो चाहे खिड़की से कूद रहे हो, छत से कूद रहे हो कि क्या होगा, पेट टूट जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो जाएंगे, महीने दो महीने अस्पताल में रह लेंगे, लेकिन सीढ़ी से नहीं जाएंगे, ये ईमान है कि मर जाएंगे। तो एक ईमान की मिसाल और है, मैंने कई बार दी आपको, कि जब पायलट जो होता है वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, उसकी लास्ट ट्रेनिंग का पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है कि उसको तकरीबन 20,000-30,000 फीट ऊपर ले जाया जाता है ज़मीन से, और आखिरी उसका वो ट्रेनिंग होता है, वो उसको पास कर ले तो उसके बाद उसकी नौकरी, उसके करियर संवर जाता है। उसको वहाँ ले जाया जाता है, वो वहाँ से उसको पैराशूट बांध कर नीचे कूदाया जाता है कि ताकि इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़े तो इससे कूदना पड़ेगा, हालांकि ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई कूदना पड़े किसी, लेकिन यह है कि सिखाया जाता है, वो पार्ट इसका ट्रेनिंग का हिस्सा है, और उसके अंदर वो जाते हैं, और आज तक कई लोगों ने, हजारों, हर मुल्क के अंदर जितने भी पायलट हैं उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं आखिरी हिस्सा उसका, और वहाँ जाते हैं और जो उनको हिदायत दी गई, जो उनको बताया गया, जो नसीहत दी गई कि देखो तुमको यहाँ से कूदना है, कूदने के बाद इतनी सेकंड तक तुमको फिर जाकर ये गांठ खोलनी है, ये स्प्रिंग यहाँ पर हटाना है, ये पिन यहाँ से हटाना है, उसके बाद में पैराशूट खुल जाएगा और तुम फिर सही सलामत ज़मीन पर चले जाओ। आज तक ऐसा नहीं हुआ इस पायलट के ट्रेनिंग के अंदर, दुनिया भर के अंदर, ये कब से चल रही है सैकड़ों सालों से, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इसके अंदर एक भी आदमी इस ट्रेनिंग के अंदर गिरकर मर गया हो कि उसका पैराशूट नहीं खुला, 100% इसका रिजल्ट है, आज तक नहीं मरा कोई, ये रिकॉर्ड है इसका। तो वो क्यों कूद जाता है, क्योंकि उसको यकीन है, किसका यकीन है कि जो मेरे को बताया गया है और वो ही मुझे करना है, चंद चीज़ें होती हैं उसके अंदर, एक दो घाटे उसको अंदर जो है पिन उसको निकालना पड़ती, खोलनी पड़ती, और वो उसी कर लेता है वो, और उसको मालूम है कि अगर मैंने एक जरा सी भी भूल कर दी तो हड्डियाँ भी नहीं मिलेगी, इतने ऊपर से नीचे गिरेगा, और वो जाता है और आज तक इसके अंदर एक भी फेल नहीं हुआ, सब पास इसके अंदर हो जाते हैं। तो ये उसका ईमान, उसको यकीन है कि अगर ये इसमें पास हो गया तो मेरा बेहतरीन करियर है,
मेरी पूरी लाइफ इससे सेट हो जाएगी। तो इसको कर गुजरता है, करता है इसको, कोई गलती नहीं पाता। अब ये उसका ईमान है। तो ऐसे ईमान वाले अगर हम हो जाएं तो ये किस चीज़ पर ईमान है? उसका सिस्टम पर ईमान है कि इस सिस्टम को मैंने फॉलो किया तो यकीनन मैं नहीं भरूंगा और ये पैराशूट खुल जाएगा और मैं बच जाऊंगा। तो इसका सिस्टम पर ईमान है। अब ये अल्लाह का जो कानून है वो भी एक सिस्टम है और हमारा जो ईमान है वो भी हम सिस्टम पर, ईमान जो अल्लाह ने कानून बनाया उस पर हमारा जो ईमान होता है। तो कानून पर ईमान है, हम कानून पर ईमान रखते हैं, हम गौर फिक्र करने को हमको कहा गया तो हम करते हैं। क्या करते हैं कि भाई देखो ये निशानियाँ अल्लाह की, सूरज का आना, चांद का आना, सितारों का आना, बारिश का बरसाना, ये सब अल्लाह की निशानियाँ, तो हम उस पर गौर फिक्र करते हैं और उस पर फिर जो है ईमान भी रखते हैं। तो अब ये सिस्टम पर ईमान है और सिस्टम पर अल्लाह के ईमान है हमको कि ज़मीन घूम रही है, ज़मीन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, बीज को डालेंगे, गेहूँ डालेंगे, गेहूँ ही निकलेगा, चाहे जो निकाले। अल्लाह ने कानून सबके लिए एक जैसा बनाया है। कोई मुसलमान है, ईमान वाला है, आलिम साहब भी अगर गेहूँ डालेंगे तो गेहूँ निकलेगा, एक काफिर भी गेहूँ डालेगा तो गेहूँ ही निकलेगा, ये अल्लाह का कानून है। अंडे के अंदर से मुर्गी का अंडा है तो मुर्गी निकलेगी, मुर्गा मुर्गी निकलेगी, और कुछ नहीं निकलेगा उसके अंदर से, कि भाई मुर्गी का अंडा था और कबूतर निकल गया, बदलेगा ही नहीं कानून, ये अल्लाह का कानून, वही चीज़ उसमें से निकलेगी। अब ये सब है और ये क्या है, ये सब अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह का सिस्टम है। इस पर ही ना ईमान है, सिस्टम पर ईमान है हमारा। अक्सर लोगों का सिस्टम पर ईमान है कि सिस्टम पर, जैसे वो पायलट का था, सिस्टम पर था कि जो मुझे हिदायत दी गई तो इस हिदायत को मैं फॉलो करूंगा तो मैं कभी नहीं गिर, इसके अंदर कामयाब हो जाऊंगा, और कामयाब हुए, उसके अंदर 100% रिजल्ट है उसका हुआ है, तो वो उसको करते हैं। तो लेकिन असल जो है कि सिर्फ यह क्या इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है जो हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, जो अल्लाह ने हमको कुरान में बताया और जो गौर फिक्र करने से हमको मिलता है, तो क्या ये इतना काफ़ी है कि सिर्फ अल्लाह के सिस्टम पर ईमान रख दिया, क्या ये सब अल्लाह की चीज़ें हैं, इनमें निशानियाँ हैं और ये काफ़ी हो जाए? असल जो है वो क्या है ईमान, कि उसकी जात से अगर ताल्लुक ना हो तो फिर ईमान मुकम्मल नहीं होता। वो जो एक ईमान का जो पीक होना चाहिए, जो टॉप लेवल होना चाहिए ईमान का, वो नहीं होगा जब तक कि अल्लाह की जात से कोई ताल्लुक ना हो हमारा, कि उसकी जात से हम ताल्लुक ना रखें। तो फिर वो अभी उसके कानून पर तो पूरा ईमान है, वो हमने उसको अपनाया और कामयाबी, लेकिन उस कामयाबी है उसके अंदर, वो खिलाफ वर्जी करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, उसके कानून के खिलाफ हम काम करेंगे, लेकिन अब उस तक पहुँचेंगे कैसे, अल्लाह तक, उसकी जात तक कैसे पहुँचेंगे? वो है में कि पूरा ईमान मुकम्मल तब होगा, क्योंकि उसको तो देखा ही नहीं और वो चीज़ वो ख्याल में ला भी नहीं सकते, उसका तसव्वुर नहीं कर सकते, उसको कोई हम फिक्स नहीं कर सकते किसी पोजीशन के अंदर। अगर देंगे करेंगे तो ये तो शिर्क होगा, उसको जो तस्वीर बना देना है, उसको कई खाके में फिट कर देना, तो ये तो फिर शिर्क हो जाएगा, तो वो नहीं कर सकते हम। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए हमको क्या सिफात बयान कर दी जाती है अल्लाह की, जात के ताल्लुक से तो नहीं बता जाता, बोले सिफात बयान कर दी जाती है, अल्लाह की सिफात है, यानी कि वो बसीर है, उसकी आँखें हैं, देखता है वो, लेकिन वो हरगिज़ हमारे जैसा नहीं देखता, क्योंकि उसकी वाकई में दो आँखें और हमसे जैसा देखे, उसका देखना कैसा हमें नहीं पता, वो देखता, वो चाहे जैसे उसकी लायक देखना लायक है वैसे देखता हो, वो जो है सुनता है, असमी है, तब वो हमारे जैसे क्या उसके कान होंगे, कान एक ही है, दो है या तीन है, हमको तसव्वुर नहीं कर सकते, बस ये वो सुनता है, उसकी सुनने की क्या है समाज क्या है उसकी, वो जानता है जैसे उसके लायक है। तो हमको सिर्फ अल्फाज दिए ये क्यों दिए, क्योंकि हम इसके अलावा अगर हम अल्लाह के सुनने के और कोई अल्फाज आते हैं कि देखो तुम तो कान से सुनते हो और अल्लाह उससे सुनता, तो वो चीज़ हमने जब देखी ही नहीं तो हमारे समझ में नहीं आता वो, क्या ये क्या चीज़ है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा। इसलिए जन्नत के अंदर ऐसी नेमतें होंगी, ऐसे फल होंगे जो मुख्तलिफ होंगे, अलग होंगे, लेकिन हमको नाम यही बताएगा, हमको अगर अनार बताएगा वहाँ पर अनार होंगे, अंगूर होंगे, किशमिश होगी, अंजीर होगी, ये सब चीज़ें बताएगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होगी, तो वो इसलिए बताएगी कि दुनिया में हमारे पास यही है, तो वही चीज़ हमको बताई जाती है। नहीं अगर तू एक नया नाम लेकर आ जाएंगे कि वहाँ पर हुआ मिलेगा, तो कहेंगे अरे ये क्या है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं उसको, तो हम फिर हम उसको ख्याल नहीं करें, अरे क्या पता क्या चीज़ है, क्या मालूम कैसा लगे बाद में, हमको तो वही चाहिए, सिंपल ही चाहिए जो हमने खाया वो। तो अल्लाह वही बताता है कि जो तुम्हारे दिमाग में आ जाए तसव्वुर, उसके अलावा दूसरी चीज़ वो नहीं बताता, क्योंकि फिर तो हम समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए अल्लाह ने हमको सिफात है उसकी जो है सिफात ही आ गई उसकी सिफात, इससे तुम उसको पहचानो, तो अल्फाज दिए, नहीं तो उस जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उस जैसी कोई चीज़ ही नहीं, वो अकेला एकता,
तुझ जैसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये हमको समझाने के लिए बताया गया ताकि तुम्हारे कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि इंसान क्या है कि इंसान को वो चीज़ बताई जाती है जिससे वो समझ जाए, नहीं तो आदमी समझता नहीं है। अब किस और किसी को आप समझा भी नहीं सकते, कुछ चीज़ें दुनिया में ऐसी है जिसको आप समझा नहीं सकते हैं। अगर किसी ने कभी जिंदगी के अंदर आम नहीं खाया और आपसे पूछे आम कैसा लगता है, अब आम का स्वाद कहते मीठा, मनी यार पूरा मीठा तो नहीं होता, खट्टा खट्टा भी रहता है थोड़ा सा, थोड़ा कसीला भी होता है। अब लेकिन आप उसको कुछ भी कर ले, लेकिन आप उसको समझा नहीं सकते। चाहे 1000 पेज की किताब लिख दे आप और उससे कह दे कि आम का स्वाद लिख दो कैसा लगता है, और आदमी समझ जाए उसको पढ़ के, नहीं हो सकता, दुनिया के अंदर कोई भी नहीं समझा सकता जब तक कि खुद आम नहीं खा ले। वो आम खा लेगा वो कहेगा बोले 1000 पेज की किताब पढ़ ले, वो स्वाद नहीं समझ सकता उसका, जायका उसको आएगा ही नहीं। लेकिन वो उसको आम खिला दो, एक पीस आपने खिला दिया, समझ जाएगा हाँ ठीक है हो गया, हाँ इतनी सी बात है उसको ये समझ जाए। अब जो आदमी मान लो किसी ने गोश्त नहीं खाया कभी जिंदगी के अंदर, अब उसको कोई पूछे गोश्त कैसा होता है, तो आदमी अब वो जो जानता है ना तो बोले कटहल खाया, तो हाँ कटहल तो खाया, बोले हाँ वैसे ही होता है। क्योंकि अब उसके वो तो उसके अलावा क्या करेगा, वो जो उसने खाया वही चीज़ बताएगा, उसके अलावा दूसरी तो बताएगी, तो उसको समझ में ही नहीं आएगी वो चीज़। तो ये अल्लाह ने उसकी सिफात हमको बताई कि देखो ये मेरी सिफात है, तो इसलिए हमको बताया कि उसकी वो सुनता है वो देखता है, तो खाली कुछ तुमको समझ में आ जाए, नहीं तो वो तो उसकी सिफात तो आला है सारी की सारी। तो हमको समझाने के लिए बताया सिर्फ ये है। तो अब ये है कि उसकी जात का समझना तो बहुत दूर की बात है, सिफात ही समझ में नहीं आती तो वे जात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उससे जात से ताल्लुक़ तो होना चाहिए। उसकी जात से ताल्लुक़ कैसे होगा, जब मार्फत हासिल करें, उसकी मार्फत हम हासिल करें। अब ये मार्फत भी ऐसा लफ्ज़ है अरबी का जिसका भी कोई दूसरा पर्यायवाची नहीं है, इसका मुतबादिल लफ्ज़ ही नहीं है कि इसको हम किसी पर के मार्फत होता क्या है कुछ बता नहीं सकते। अरबी के अंदर मार्फत अलग होता है, इसकी मार्फत दे दो इसकी मार्फत चले जाओ, वो तो जरिए में इस्तेमाल होता है, जो उर्दू के अंदर अरबी के अंदर उसका कोई वही नहीं कि उसको हम उसको उसका तर्जुमा कर सके। तो उसकी जात को समझ में आ जाए तो क्या है कि आप आम इंसान के तो बहुत दूर की बात है कि उसकी जात को समझ लें कि वो क्या है, फिर ईमान कैसे होगा। अब ईमान यह है कि हमारा ईमान कैसा होगा, ईमान गेब पर होना चाहिए, लेकिन गेब का माना भी हरगिज़ ये नहीं होता, ये भी ना समझे कि बगैर देखे तो मानना है अल्लाह, लेकिन बगैर समझे नहीं माना, समझ के माना जाएगा तब ईमान होगा। बगैर देखे का मतलब यही नहीं होता कि गेब पर ईमान, तो बगैर देखे ईमान लिया, बगैर देखे तो लाना है लेकिन बगैर समझे नहीं लाना, तो उसको समझ के मानना हो। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें दुनिया के अंदर नहीं दिखती, उसकी अलामत से हम समझते हैं, अलामतों से समझते हैं, नहीं हवा नहीं दिखती हमको, लेकिन हम क्या करते हैं कि हवा कैसे मालूम पड़ेगी, बोले हवा चल रही है तो पहले तो आप देखा किधर, तो देखा कपड़ा उड़ रहा है हवा चल रही, धूल उड़ी हवा चल रही, पत्ते हिल रहे हवा चल रही, तो उसको वो एहसास से उसको अलामतों से वो जान लेता है कि ये उसकी अलामत है। अभी ये जो अल्लाह की जो मार्फत है और जो उसका सिस्टम पर ईमान, ये तो बहुत निचले दर्जे की बात है कि उसके कवानीन पर जो हमको दिख रहे हैं उस पर ईमान लेकर आए, जात तक पहुंचना, उसकी जात को हम समझे कि क्या तो कैसे, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके लिए वो जानना पड़ेगा, नहीं तो फिर ईमान मुकम्मल नहीं होगा। दोस्तों ज़रूरी है, अल्लाह ने यह फरमाया सूरह बकरा 2 आयत नंबर 214 में, खलक तो भी यदि इंसानों से कहा कि सिर्फ इंसानों को कहा और किसी को नहीं कहा कि मैंने तुमको अपने हाथों से बनाया। और बाकी इससे मिलते जुलते अल्फाज हैं और भी आते हैं कुरान के अंदर, एक और जगह अल्लाह ने फरमाया सूरह यासीन के अंदर आयत नंबर 71 में कि वलम यरोना खलकना लहुम मिम्मा आमिलत अदीना, कि क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनके लिए अपने हाथों से चौपाए बनाए, जानवर बनाए इंसानों के लिए, उसके लिए हमने बनाए जिसके वो मालिक है, और फिर इसके बाद मालिक भी बना दिया, बनाया हमने दिया उनको और भी कहा कि तुम इसके मालिक हो, उन पर कंट्रोल भी दे दिया कि तुम इनके मालिक हो। तो इंसानों के लिए बनाए ताकि इंसान के काम आए, और हर चीज़ जमीन आसमान में जो कुछ है सब कुछ इंसानों के लिए बनाया सारा कुछ, और इससे इंसान और इसको कंट्रोल भी दिया कुछ हद तक, इंसान को कंट्रोल दिया है ज़मीन के अंदर आसमानों के अंदर, कि उसका मालिक भी बनाया कि तुम्हारे इख्तियार के अंदर है, तुम्हारे लिए बनाया तो ये बनाया है। तो हर चीज़ को जो है अल्लाह ने बनाया इंसानों के लिए बनाया, और ये इंसानों की ज़रूरत है, सूरज इंसान की ज़रूरत है, चांद उसकी ज़रूरत है, पानी उसकी ज़रूरत है, ज़मीन उसकी ज़रूरत है, हवा उसकी ज़रूरत है, जानवर उसकी ज़रूरत है,
ये उसके जोड़े जो बनाए, ये उनकी ज़रूरत है, ये सबकी ज़रूरत है, लेकिन जो चीज़ें जिसकी इंसानों को ज़रूरत है, लेकिन इंसानों को इन किसी चीज़ को इंसानों की ज़रूरत नहीं है। इंसान ज़मीन से हट जाए सारे, सूरज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जानवरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़मीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें से कुछ कम हो जाएगा इंसान को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये बनाई सब इंसानों के लिए, इसलिए इसके हटने से उसको फ़र्क पड़ता है। बाकी इन चीज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर सब ज़मीन से चले जाए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर, कश्तियों को तुम्हारे ताबे कर दिया, कि हमने कश्तियों को तुम्हारे ताबे कर दिया ताकि दरिया में वो तुम्हारे हुक्म से चलती, तुम जिधर उसको चलाना चाहो वो चलती, तुम्हारे कंट्रोल में हमने उसको दे दिया, और नहरें भी ताबे कर दी, तुम चाहो जिधर ले जाओ, अपने खेत में ले जाओ, अपने घर पर ले जाओ, नालियाँ बनाओ और जैसे ले जाओ, नहरों को हमने तुम्हारे ताबे कर दिया, और सूरज चाँद को तुम्हारे लिए मुसक्कर कर दिया कि तुम इससे फ़ायदा उठाओ, जो हमेशा चलने वाले हैं, और ये रात और दिन बनाए हमने तुम्हारे लिए, ये भी हमने बनाए, तो इससे काम लेना, तुम्हारे कंट्रोल में कर दिया, चाहे नहरें हो चाहे कश्ती हो पानी के अंदर, ये कंट्रोल है, चाहे सूरज की रोशनी, सब जिससे तुम खेतियाँ करते हो, सारी चीज़ें हमने तुम्हारे कंट्रोल में दे दी। एक और जगह सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 71 में फरमाया अल्लाह ने कि कह दो कि भला बताओ अगर अल्लाह तुम पर हमेशा के लिए कयामत तक के लिए रात कर दे तो क्या कोई माबूद है दुनिया के अंदर जो रोशनी लेकर आ जाए, दिन लेकर आ जाए, कोई है कि अल्लाह जिस कयामत तक के लिए रात कर दे रोशनी ना दे तो क्या कोई है दूसरा जो ला सकता है रोशनी ले आए या दिन लेकर आ जाए, और अल्लाह जो है अगर हमेशा के लिए दिन कर दे तो कौन है जो रात ला सकता है कि अंधेरा लेकर आ जाए अगर अल्लाह दिन कर दे तो हमने तुमको दिया रात और दिन ताकि दिन को तुम जो है काम करो, रात को सुकून पाओ, सुकून के लिए हमने तुमको रात दी, अगर ये सुकून नहीं होता और अगर ये रोशनी रोशनी होती तो इंसान पागल हो जाता, अगर रात नहीं होती उसको सुकून नहीं मिल जाता, मर जाता अगर रात नहीं आती, तो ये अल्लाह ने दिया और उसको बताया कि हमने तुमको ये दिया। इसी तरह एक और जगह अल्लाह ने फरमाया सूरह मुल्क सूरह नंबर 67 आयत नंबर 30 में अल्लाह दिखाओ तो सही अगर तुम्हारा पानी खुश्क हो जाए, यानी तुम्हारे पास जो पानी ज़मीन के अंदर वो खुश्क हो जाए तो वो कौन है जो साफ पानी लेकर आएगा, क्या कोई है दुनिया में, ये किसके पास इतना बड़ा फिल्टर पड़ाने के पूरी दुनिया के अंदर साफ पानी भेज दे, ये तो तुम गंदा करते हो, अल्लाह पानी भेजता है इंसान उसको गंदा करता है, वो गंदा करता है पूरा, उसके अंदर इतनी गलादत कि वो खुद पी ले तो मर जाए ऐसा पानी कर देता है, और उस पानी को फिर अल्लाह उठा लेता है वापस ऊपर और फिर उसको वापस से पूरा फिल्टर कर फिर दे देता है, वापस भेज देता है, तो कौन साफ पानी लाएगा, तो इसका कारण भला बताओ कि कोई है अगर ये पानी खुश्क हो जाए तो तुम्हारे लिए साफ पानी लाने वाला। और आज हम देखते हैं कि दुनिया भी इसी फिक्र के अंदर लगी हुई, सारे वाटर लेवल ज़मीन का गिर रहा है, हर आदमी ज़मीन के अंदर से छेद कर पानी निकाल रहा है, तो दुनिया कि लोग इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि भाई ज़मीन से मत निकालो, आसमान से पानी आता तो उसको स्टोर करो, उसको ज़मीन में पहुंचाओ, तुम्हारे जो है जो भी है बोरिंग है कुएं है उसके अंदर पहुंचाओ इसको और उसको इस्तेमाल करो, ज़मीन का इस्तेमाल मत करो, ये ख़त्म हो जाएगा अंदर से, आज पूरी दुनिया को उसकी फिक्र है। तो अल्लाह ने एक और जगह फरमाया सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 14 में अल्लाह ने फरमाया कि जिसने दरिया को तुम्हारे काम में लगा दिया ताकि तुम क्या करो उसके अंदर से ताज़ा गोश्त खाओ, इसमें से गोश्त निकालो वो भी खाओ, ये भी तुम्हारे कंट्रोल हमने दे दिया। और इसी तरह एक और जगह जो दुआ मशहूर है ये भी कुरान की दुआ है, ये सूरह ज़ुखरुफ सूरह नंबर 43 आयत नंबर 13 के अंदर के सुबहानअल्लाह शक्ल लना हाजा उमा कुन्ना लहु मुकरनीन, जो हम सवारी के अंदर पढ़ते सवारी पर बैठने की, वो जात पाक है जिसने हमारे लिए सवारी को हमारे कंट्रोल में दे दिया, नहीं तो हम इसको कंट्रोल में काबू में रख नहीं सकते थे, वो चाहे आपकी ये गाड़ी हो चाहे वो जानवर सवारी हो घोड़ा हो चाहे ऊँट हो या चाहे ये गाड़ी, ये भी आप कंट्रोल में नहीं कर सकते थे जब तक कि अल्लाह ने आपको इल्म नहीं दिया कि इसके इंजन के अंदर कौन, इसके अंदर विस्फोट होता है और विस्फोट से गाड़ी चलती है, लेकिन वो आपको अल्लाह ने कंट्रोल दे दिया उसके, कि क्या तुमने नहीं देखा कि हमने ज़मीन की सब चीज़ों को तुम्हारे ताबे कर दिया, यहाँ पर तुमको दे दिया, तो जो कुछ है आसमान के अंदर ये एक ही आसमान नहीं है, ये आसमान सात आसमान है, इंसान सिर्फ एक आसमान तक पहुंचा है, साइंस भी अभी तक दूसरे आसमान तक नहीं पहुंची, एक आसमान भी पूरा मुकम्मल नहीं हुआ, वो तो सिर्फ कि हाँ अभी तो इसी के अंदर है, दूसरी वो तीसरी वो चौथी और उसके बाद तो फिर बहुत दूर की बात, हो सकता है पहुंच जाए क्योंकि अल्लाह ने तो कहा कि हमने दिया है तुम्हारे कंट्रोल के अंदर, आने वाले हो सकता है चला जाए इंसान बाहर निकल जाए, बताया अल्लाह ने, तो ये अब ये यहाँ पर एक के अंदर है, अब यहाँ पर इसको भी अभी पाने की अभी कायनात कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। साइंस इसके ताल्लुक से कहता है कि ये कायनात जो है पूरी, ये हमारा जो प्लैनेट मिल्की वे है, ये 14 अरब साल पुराना है, 14 अरब साल से,
और ये भी कैसे हुआ था कि पहले एक था, तो कुरान में भी अल्लाह ने जिक्र किया और आज एक थेरी है, उसके लिए थेरी अभी फैक्ट नहीं बनी हो वाकई में सच है कि नहीं क्या मालूम अल्लाह वाला। लेकिन वो भी कहा कहते हैं कि एक था बिग बैंग थेरी हुई जो बताया जाता है कि वो फूटा और उसके बाद में ये सब सारे सैारे प्लानट और सब वजूद में आ गए, सब चीज़ें हो गई इसके अंदर। तो ये धमाके से जब वो सितारे निकले थे और ये फूटा था और ये सितारे जो आज हम देखते हैं जिनको, तो ये आपने एक तस्वीर देखी होगी, मशहूर तस्वीर है जिसके अंदर जो है पूरे कायनात की तस्वीर है। आप देखो बहुत सारा गोला बना हुआ है और उसके आसपास बहुत सारे छोटे 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 बिंदे आपको दिखेंगे, ओरिजिनल तस्वीर जो उन्होंने सेटेलाइट से खींची। अभी कैसे खींची होगी इतनी ऊपर से जाके, क्या इतनी बड़ी फ्लश है हमारे पास, इतना बड़ा कैमरा है हमारे पास, कैसे खींचा हो? ये खींची हमने कुदरती रोशनी से, जो अल्लाह ने सितारे से जो रोशनी आती है वो रोशनी आई उस वक्त के अंदर, उन्होंने कैमरा लगाया हुआ था, उनको पता था कि रोशनी आती रहती है, वहाँ से उन्होंने उसको सीखा तो हमारे खींचा वो फोटो था आज हमारे पास मौजूद, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी पूरा मिल्की वे, पूरा हमारे पास से फोटो मिलता है, नेट पर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, तो ये खींची जा सकी। लेकिन वो रोशनी कब थी जिससे हमने वो फोटो खींचा, क्या वो उसी वक्त आई थी? वो रोशनी वो थी जो 14 अरब साल पहले चमकी थी वो विस्फोट होने से, और उसकी जो रोशनी थी वो हमारे पास में अब पहुंची और वो लाइट पड़ी तब जाके वो फोटो हमारे पास में आया। कितनी पुरानी रोशनी है, 14 अरब साल पुरानी रोशनी वो हमारे पास थी तब उससे। वो जो हम आज सितारों को देख रहे हैं तो हमको सितारा दिख रहा है वो, लेकिन वो रोशनी अभी की नहीं है, वो करोड़ों साल पुरानी है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं, बगैर रोशनी के हम नहीं देख सकते। तो वो जो रोशनी हमको दिख रही है, सूरज की रोशनी जो हमारे पास पहुंचती है, अभी देखते हैं कि हाँ ये सूरज की रोशनी है, वो पुरानी होती है 9 मिनट। हर जो रोशनी हम यहाँ देखते हैं वो 9 मिनट तक, 9 मिनट बाद हमारे पास में पहुंचती है। तो ये कायनात इतनी बड़ी है कि जो चीज़ें हम आज सूरज जो सितारे हम देख रहे हैं तो रोशनी दिख रही है, तो वो 14 अरब साल पुरानी है। ये अल्लाह की जो है कायनात है, अल्लाह ने ये कायनात बनाई है। और रोशनी की रफ्तार कितनी होती है, ये रोशनी की रफ्तार की बात कर रहा हूँ मैं, रोशनी की किलोमीटर नहीं, रोशनी की रफ्तार ये होती है कि 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर चलना चले, या 1 सेकंड के अंदर हमारी ज़मीन के 7 चक्कर लगा ले, उसको बोलते हैं 1 लाइट ईयर, ये होती है रोशनी। तो अल्लाह ने कहा कि ये सब तुम्हारे लिए बनाया, ये सब तुम्हारे लिए। तो यानी कि पहले आसमान में तो अभी जो है कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहा है इंसान, ये सूरज चांद सितारे रात दिन ये जो आना जाना ये सारी चीज़ें आसमान में, ज़मीन में जो कुछ है सोना चांदी जो भी माध्य अंदर से निकलती, चाहे पेट्रोलियम हो लिक्विड हो, ये सोना ये पत्थर जो भी निकलते हैं, गिजाएँ निकलती हैं, पेट्रोल गैस क्या क्या जो हमें निकलता है, सब अल्लाह ने किसके लिए, इंसान के लिए बनाया। दरिया के अंदर जो भी दिया जितने तो मुख्तलिफ जानवर, जिसमें आज जो है लोगों ने तहकीक की, वो कहते हैं कि 20 लाख जानवर पानी के अंदर रहते हैं, तो सब भी तुम्हारे लिए बनाया अल्लाह ने, हमारे लिए बनाया। जानवर परिंदे जो तुम खाते हो, फल सब्जियां सूखे मेवे पानी पीने के जायके दार शरबत अलग अलग गिजाएँ जो पीने की हैं, वो सब तुम्हारे लिए। और दूसरी चीज़ें तुम जो उससे बनाते हो, वो दूसरी ज़रूरत की चीज़ें वो तुमको मौसम दिए, जिसमें सर्दी आती है, जिसमें गर्मी आती है, जिसमें बारिशें आती है, ये सब तुमको दिए। हमने बाग बगीचे दिए, नहरें दिए, नदियाँ दी, और जिसको देखकर इन पहाड़ों को इन झरनों को तुम देखकर सुकून पाते हो, ये सब अल्लाह ने दिया। अब ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, इतनी सारी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने कहा ये मैंने सब हाथों से बनाया, मैंने तुमको हाथों से बनाया, इन सबको भी मैंने तुमको हाथों से बना के तुम्हारे लिए बनाया, ये सारी चीज़ किसी के लिए नहीं बनाई, इंसान तुम्हारे लिए बनाई। तो क्या अब उससे फिर उस रब से उसकी जात से ताल्लुक जोड़ने की हमारी तमन्ना नहीं होनी चाहिए कि जितने इतना एहसान किया हमारे ऊपर, तो क्या हमको सोचना नहीं चाहिए कि उसकी जात से ताल्लुक जोड़ने की हम कोशिश करें, जिसने इतना सब कुछ किया है, जो सब कुछ हमारे लिए उसने बनाया। तो ये है कि ये होना चाहिए सब हाथों का, और हाथों से बना के अल्लाह ने बार बार क्यों कहा हमने हाथों से बना के दिया, क्योंकि इसके अंदर मोहब्बत शामिल है अल्लाह की, बेपनाह मोहब्बत है अल्लाह की। क्योंकि हम कोई चीज़ देती है, एक तो रेडीमेड हम बाज़ार से लेकर आते हैं, वो तो किसी को तोहफा देते कि भाई तुम्हारे लिए ये तोहफा हम लेकर आए, वहाँ से लाए, अमेरिका से लाए, कहीं से भी लाएंगे तो कहें अच्छा अमेरिका ला, और यहाँ से लाया तो थोड़ा आदमी तवज्जो कम दे, बाहर से मंगवाया, दुबई से मंगवाया, अच्छा दुबई से मंगाया, चलो थोड़ी तवज्जो दे, लेकिन आदमी कहे मैंने खुद बनाया हाथों से तुम्हारे लिए, इस पर सर रात को जागा 2 बजे तक इसको बनाने के लिए, आदमी कहेगा फिर तो वो उठाकर आपकी बहुत वो करेगा कि आपने हाथों से बनाया। तो अल्लाह कह रहा है मैंने तुमको अपने हाथों से बनाया, हर चीज़ को मैंने बनाया तुम्हारे लिए हाथों से, तो क्या उससे जात से ताल्लुक़ जोड़ने की हमारी तमन्ना नहीं होनी चाहिए कि वो जितनी मोहब्बत से बेपनाह मोहब्बत से हमसे कह रहा, तो हमको भी उससे बेपनाह उससे मोहब्बत होनी चाहिए, उसकी मार्फत हासिल करना, उसको समझना उसकी जात को, तो फिर ये होगी, इससे कोई मोहब्बत पैदा होनी चाहिए।
अगर कोई मिसाल के तौर पर कोई किसी को पाले, कोई यतीम हो गया, बच्चा उसके वालदेन दोनों गुजर गए और यतीम हो गया, और यतीम होने के बाद में फिर वो उसको एक दिन उसको तवज्जो ना दे, एहसान फरामोशी करे और वो उसको गिनाए फिर के देखो तुम जब बचपन में थे कोई तुमको उठाने वाला नहीं था, मैंने तुमको उठाया, मैं अपने घर ले गया, मैंने तुमको नहलाया धुलाया, मैंने तुमको कपड़े दिए, मैंने तुमको स्कूल भेजा, तुम्हारी फीसें भरी, तुम बीमार हो गए तो मैं रात रात भर तुम्हारे लिए जागा, तुम कॉलेज गए तो तुम्हारे एडमिशन के लिए लाइनों में मैं लगा, हर जगह तुम्हारे मैंने कोशिश की, तुम्हारा मेरे निकाह करवाया, तुमको घर दिया, एक अच्छी तुमको लाइफ दी, और तुम आज जो है मेरा शुक्रिया भी नहीं करते, मुझसे मुँह फेर रहे, तो दुनिया भर के लोग कहेंगे कि बड़ा एहसान फरामोश आदमी, इससे जो आदमी जो बुरा आदमी दुनिया के अंदर नहीं, कि सब कुछ इसके लिए किया और फिर ये, तो फिर हम वो लोग लानत करेंगे उसके ऊपर कि एहसान फरामोश इतना कुछ करने के बाद में ये कर रहा है। तो अल्लाह ने पूरी कायनात को तुम्हारे लिए बना दिया, तो उसके बाद में अगर फिर सब चीज़ें उसने बनाई कि जो हम सांस ले रहे हैं, हवा उसने बनाई, पानी पी रहे जिसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं वो उसने बनाया, खाने उसने दिए ताकि जिससे तुम्हारी भूख मिटे, तो उसकी जात से ताल्लुक जोड़ने कोई तमन्ना हमारे दिल में नहीं है फिर कि उसकी जात से हमारा ताल्लुक हो जाए, कोई तमन्ना पैदा हो जाए कि उससे जुड़ जाए। तो ये होगा कब कि हम उसकी मार्फत हासिल करनी होगी उस रब की, तो होगा, और ये जो है फिर शुक्र की बात है। और फिर अगर ये नहीं करते हम उससे जुड़ने की कोशिश नहीं करते, उसके ताल्लुकात रखने की कोशिश नहीं करते, तो फिर ये फिर ईमान फिर मुकम्मल कैसे होगा, फिर ये किस बात पर हमारा ईमान। तो ईमान के लिए ज़रूरी है कि हम जो है उसको, और ये जो है अल्लाह ने यहाँ एक और जगह फरमाया कुरान के अंदर ईमान वालों से खिताब करके आया फरमाया, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 165 में फरमाया गया, वल्लजीना आमनु अशद्दु हुब्बलिल्लाह, कि और ईमान वाले तो अल्लाह से सबसे ज़्यादा शदीद मोहब्बत ईमान वाले अल्लाह से करते हैं, यानी मोहब्बत तो वो करते हैं। मोहब्बत वो ईमान क्या है, एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। एक दाई है बहुत बड़े हिंदुस्तान के हमारे, उन्होंने सुनाया था मुझे उनकी ज़िंदगी का एक वाकया। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है ईमान को मैंने जब जाना कि मुझे गैर मुस्लिम ने ईमान बता दिया, ईमान का मतलब उसने समझा दिया मुझे कि ईमान क्या होता है। नहीं तो उससे पहले तो मैं समझता था कि मैं ईमान वाला हूँ, और मैं ईमान तो यूँ समझा देता हूँ, वो गैर मुस्लिम को दावत देते दाई अच्छे बोले यूँ समझा देता हूँ मैं गैर मुस्लिम को ईमान, लेकिन असल जो ईमान का मतलब था वो गैर मुस्लिम ने समझाया। वो कहते कि मेरे एक दोस्त थे, मेरे साथ में रहा करते थे जवानी में, और हम जो बिलियर्ड्स वगैरह खेलते थे उनके साथ में खेल वगैरह खेलते थे, हमारे साथ में रहते, वो बड़े जो है पैसे वाले थे और खूब ऐश इशरत से रहा करते थे, यानी शराब पीना रोज़ उनके आम था, महंगी गाड़ियाँ थी वो थी, और चुनाव भी लड़े उन्होंने, अच्छी पोजीशन पे थे, बहुत पैसा था। और उसके बाद में फिर बीच में से उनसे ताल्लुकात रब्ता ख़त्म हो गया, वो उनके दीन में लग गए, वो फिर उनको मिले नहीं। एक बार बहुत वक्त बाद फिर वापस उनसे मुलाकात होती है, उनकी 10-15 साल बाद वो उनके घर आते और आकर उनसे कहते कि भाई बोले आपसे मिलने आ गया, याद आ गई मुझे पहचान। तो उन्होंने कहा अरे पहचान ले बहुत टाइम हो गया। तो उन्होंने उनके आगे बैठा के बैठो, बैठ गए वो। तो उन्होंने कहा कि चाय बनवा दे, तो बोले चाय नहीं पियो, बोले क्यों नहीं पियेंगे, बोले नशा होता है। अब वो गैर मुस्लिम थे, वो अब मुसलमान के घर में आए, तो बोले चाय नहीं पीता नशा होता है, तो बोले चाय में क्या नशा है, बोले नहीं जो भी चीज़ की लत पड़ जाए जिससे उसको कुछ इच्छा हो उसको वापस दोबारा पीने की तो वो नशा है, तो मैं कोई नशे की चीज़ नहीं लेता, चाय भी नहीं पीता। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कुछ फ्रूट फल ले आता हूँ, कुछ खाना खा लो फल खा लो, बोले नहीं नहीं वो भी नहीं खाऊँगा मैं, तो बोले वो भी नहीं खाओगे, बोले तुम खा लेते हो किसी के यहाँ पे जाकर, तो बोले कि हम तो कहीं जाते हैं तो वो मेहमान में जो रखते हैं हम खा लेते, बोले किसी के यहाँ भी खा लेते हो, किसी के घर का भी खा लेते, बोले हाँ खा लेते, बोले तुम्हारा फिर कैसे ईमान क्या बचेगा, तुम्हारा यकीन क्या बचेगा, उसके घर में तो कोई उसकी हलाल कमाई थोड़ी होगी, सब ईमानदारी की सच की कमाई थोड़ी है। गैर मुस्लिमों को समझा रहे बोले सच की कमाई थोड़ी होगी उसके यहाँ, बोले मैं तो नहीं खाता किसी के नहीं खाता, मुझे शक होता है कि नहीं मैं हलाल नहीं खा पाऊँगा, किसी के यहाँ भी होता ही नहीं, लोग झूठ बिना तो कमाते ही नहीं, मैं नहीं खाता, और अगर मैं तो वैसे अपने पैसों से खाता हूँ, या फिर अगर नहीं हो ज़्यादा ही भूख लगती है तो उन्होंने जेब से निकाल कर मैं बताया चने, बोले ये खा लेता हूँ फिर इससे अपना काम चला देता हूँ, लेकिन किसी के नहीं खाता हूँ। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब ये मेरे साथ पहले रहा करता था ये शख्स, तो ये पूरा दुनिया के अंदर था, ऐसो इशरत में रहता था, महंगी गाड़ियों में घूमता था, हर नशा ये करता था, शराब रोज डेली इसके पीने की आदत थी, सब छोड़ दिया, चाय तक का नशा मना। बोले क्या हुआ, कैसे तब्दीली तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर आई? तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में तब्दीली ऐसी आई कि मैं चुनाव लड़ रहा था तो एक कोई मेरे को एक
महाराज के पास ले गए, कोई गुरुजी के पास, कि चलो उनसे आशीर्वाद दिलवा देते ताकि चुनाव वगैरह में जीतने में हो जाएगा। उन्होंने कहा चलो, इनके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं गुरुजी के साथ में, तो कह देंगे कभी कि भाई वोट के लिए तो वोट मिल सकते हैं उनसे। लोग भी शायद इसके लिए इस्तेमाल करते हैं पीरों फकीरों का, गुरुओं का, ताकि वोट मिल जाए। तो वो भी चले गए, वो गए उनके पास में, तो उन्होंने उनसे जाकर कहा, बोले कैसे आए हो, क्या है? बोले क्या करते हो? बोला देश की सेवा करता हूँ। बोले झूठ मत बोलो, झूठ बोल रहे हो तुम। तो उनको बड़ा गुस्सा आ गया कि यार पहली बार मुलाकात हुई जब मैं तो पूछ रहे कि यार क्या करते हो, तो बोले देश की सेवा करता हूँ, तो बोले झूठ बोल रहे हो, क्या कर सकते हो देश के लिए? तो उन्होंने कहा कि जान दे सकता हूँ अपनी। अब उन्होंने कह दिया तेरी मैडम, उस तक तो दिल से ही कही उन्होंने जब उन्होंने उनको गुस्सा दिलवा दिया, तो बोले जान दे सकता हूँ। उन्होंने कहा कि जान देने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक काम करना, अगर देश के लिए वाकई तुम करना चाहते हो तो एक काम करना। बोले क्या करना? बोले आप झूठ मत बोलना जिंदगी में, आज के बाद, अभी के बाद। अब वो बात उनके दिल में बैठ गई, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सब चीज़ें छोड़ दी, गाड़ियाँ और उनकी फैक्ट्री और सब बंद कर दिया, और वो पूरा वो उसके बाद उन्होंने झूठ नहीं बोला, और वो उनके पास में आए, उनको समझा, फिर उन्होंने कहा था, बोले बड़े अच्छे आदमी तुमको मिल गया, तुम्हारी ज़िंदगी बदल गई। फिर उन्होंने उनको समझाया, कुरान दिया उनको, बोले कुरान पढ़ोगे आप? बोले हाँ पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ूंगा, ज़रूर पढ़ूंगा। कुरान ले गए, लेकर उनके घर चले गए। फिर ये एक दिन उनके पास गए वापस, कि यार कुरान भी दिया था, फॉलोअप करना, तो ये दाई थे तो ये पूरे सिस्टम से काम करते। फिर गए वापस, कुरान दे दिया, तो अब जाकर उनसे वापस पूछा जाए कि उन्होंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वहाँ गए उन्होंने जाकर उनसे कहा कि क्या हाल चाल है, पूछा, और उनका कि कुरान पढ़ा तुमने दिया था? बोले हाँ पढ़ा, पूरा तो नहीं पढ़ा लेकिन कहीं कहीं से पढ़ा। पर एक बात मैंने बार बार नोट करी है उसके अंदर, बार बार गौर किया, बोले उसके अंदर हर थोड़ी थोड़ी बात में, थोड़ी थोड़ी लाइनों के बाद में ईमान की बात आती है, बार बार ईमान, बार बार उसके अंदर ईमान की बात आती है, बार बार यही तस्करा होता है। तो उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, ये ईमान क्या है? अब उन्होंने इस लहजे में पूछा, एक तो पूछा जाता सवाल के तौर पर, ईमान क्या है? बोले ईमान क्या है, एक ऐसा संबोधवाचक जिसको कहते हैं, वो उन्होंने उनसे पूछा। तो अगर वो तो दाई थे खुद, तो उसी वक्त तैयार रहता उनकी जुबान पर, दाई के लिए ईमान समझाना क्या बड़ी बात होती है, फट से तीन चीज़ें गिना देते ईमान क्या, तो वो बता सकते थे। लेकिन उन्होंने जब ऐसा पूछा तो उन्होंने कहा कि शायद ये कुछ बताना चाह रहे, इस तरह से पूछे तो वो बोले नहीं। उन्होंने कहा क्या? बोले आप कुछ कहना चाह रहे? बोले हाँ। बोले कभी ये बताओ कि कभी किसी की याद में ऐसी कोई रात गुजरी कि किसी की याद में तुम्हें नींद ना आई, किसी की भी याद? बोले किसी की भी, ज़रूरी नहीं बीवी हो, बच्चे हो, पड़ोसी हो, उसकी याद में नींद नहीं आई बीमारी वजह से, जिसकी वजह से। तो बोला ऐसा तो बहुत बार हुआ, की वजह से हुई, बच्चों की तबीयत खराब थी, किसी की डिलीवरी होने वाली थी, रात भर जागे हुए नींद नहीं आ रही उसकी याद में, कुछ नहीं ऑपरेशन था, कुछ सफर से आने वाला था, सही सलामत आ जाए उसकी वजह से नींद नहीं आती। बोले ऐसा तो बहुत बार हुआ। तो कहा कि बताओ कि क्या ये जो कभी ऐसा हुआ कि अल्लाह की याद में एक रात नींद आई हो, याद करो कभी ऐसा हुआ? अब वो इतने बड़े दाई, लेकिन जब उन्होंने बात पूछी कि क्या कभी ऐसा हुआ तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर कि अल्लाह की याद में नींद ना आई हो, तो वो कांप गए उस सवाल से। पूरी ज़िंदगी तलाश कर ली उन्होंने, पर ऐसी कोई रात नहीं मिली उनको कि जो अल्लाह की वजह से जग गए हो, अल्लाह की याद की वजह से। तो उन्होंने कहा कि नहीं हुआ? बोले हाँ नहीं हुआ कभी। वो तड़प गए, मतलब ऐसा उनका सवाल कि वो काम गए कि क्या, हालांकि वो तो लोगों को बताते हैं ईमान क्या है, लेकिन जब वो गैर मुस्लिम ने कहा कि क्या ऐसी, तो फिर बोले फिर उसकी याद में अगर तुमको कभी ऐसी एक रात नहीं गुजरी तुम्हारी कि तुमको जो नींद ही नहीं है उसकी रात, उसकी याद के अंदर, तो फिर तुम्हारा ईमान क्या है? मैंने तो इसको चंद जगह से पढ़ा जहाँ जहाँ पर ईमान की बातें आई, तो फिर तुम्हारा ईमान है क्या? तुम दाई बन रहे हो, लोगों को समझाते हो दीन, उस रब की तरफ, उस ईश्वर की तरफ तुम लोगों को बुलाते हो, वो सत्य ईश्वर है, और उससे तुम्हारी मोहब्बत ही नहीं, तब तुम्हारा ईमान कहाँ है फिर? तो वो दाई कहते कि जब जाकर मुझे उसने समझाया, तब जाकर मुझे मालूम पड़ा कि वाकई में ईमान क्या है, जो गैर मुस्लिम ने समझा दिया कि ईमान क्या हो, ये ईमान। अब ये सवाल तो हमारे से भी पूछिए, तो उसने पूछा, लेकिन अगर हमसे भी पूछा जाए कि हम यहाँ इतने बैठे, हमसे भी पूछा जाए क्या ऐसा हुआ कि कभी अल्लाह की याद में नींद ना आई, तो हमारा भी जो है वैसी जो उनका था हालत, वही आज हालत हमारी, हम भी अगर तलाशेंगे तो शायद ही हमको ऐसी रात मिले कि अल्लाह की याद में नींद ना आए। तो
फिर वही बात है कि फिर ईमान क्या हुआ। तब ये कब होगा कि जब कि अल्लाह की याद में शदीद मोहब्बत होनी चाहिए, ये कुरान। तो वो कहते हैं वो दाई कि मुझे यही कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 165 याद आई कि अल्लाह के जो ईमान वाले हैं तो शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते। बोले ये मुझे फौरन समझ में आई, तब जाके समझ में आई कि इस आयत का मतलब क्या है, नहीं तो पढ़ के निकल जाते थे हर बार। ये उसने समझा दिया इस आयत के बारे के अंदर। तो ये कब होगी उससे, और जब कब होगा उसकी याद में कब नींद नहीं आएगी, जब उससे मोहब्बत होगी, उसकी जात से मोहब्बत होगी, तब जाकर नींद नहीं आएगी। नहीं तो फिर अगर उससे जात से ताल्लुक़ नहीं है, उससे मोहब्बत नहीं है, उससे मिलने की बेचैनी नहीं है, तो फिर कभी भी ऐसा मौका ज़िंदगी में नहीं आएगा, तब जाके वो नींद आएगी। एक जगह अल्लाह ने यहाँ फरमाया कि सूरह जुमा सूरह नंबर 62 आयत नंबर 6 में फरमाया कुल याही लजीन खादु के कह दो यहूदी, हादु यानी कि इंसानों, यानी कि यहूदी जैसे इंसानों, ये कह सकते हैं उस ईमान वालों, ये लोगों और यहूदी जैसे जो यहूदी की तरह हो गए, तुम ये ख्याल करते हो कि तुम ही अल्लाह के दोस्त हो, कि तुम ये ख्याल करते हो तुम अल्लाह के दोस्त हो और सिवा दूसरे लोगों के, तो फिर जरा मौत की तमन्ना करके दिखाओ अगर तुम सच्चे हो, जरा मौत की तमन्ना करके तो दिखाओ अगर तुम सच्चे हो। तो असल मुलाकात कब होगी, ये अल्लाह ने ये बता दिया कि अगर तुम अल्लाह की मुलाकात चाहते हो तो मुलाकात होगी कब अल्लाह से, दुनिया में तो नहीं हो सकती, क्योंकि उसने कह दिया कि दुनिया में तो मुझे देख नहीं सकते और उसकी बातें तब्दील नहीं हो सकती है। अब जब तक कयामत नहीं आएगी तब तक हम उससे नहीं देख सकते, मना कर दिया अल्लाह ने खुद कुरान। अब उसको देखने का तरीका यही बचा, कब होगा वो मरने के बाद, उसके बगैर तो उससे मिलने की तमन्ना हमारी पूरी नहीं हो सकती है, और खुदकुशी कर नहीं सकते क्योंकि वो तो हराम है, फिर अल्लाह की दी हुई जान है जो मर जाए। तो दुनिया में आजमाइशों के साथ गुजरने के बाद उसकी रजा पर राजी हो जाए और उसके बाद उसकी मिलने की तमन्ना हो, ये तमन्ना कितनों के अंदर है कि ये तमन्ना हो, तो उसके बाद मिलने की तड़प हो, जिससे मोहब्बत हो उससे मिलने की तड़प होनी चाहिए, तो फिर वो उसकी ताल्लुक पैदा होगा उसकी जात से, अगर ये तड़प होगी उससे मिलने की। जो तड़प जो हम देखते हैं कि मिसाल वही आएगी इसके अंदर, अगर छरी मिसाल नहीं लेकिन ये कि मिसाल वही है कि एक लड़का एक लड़की की जिस तरह शदीद मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के लिए जान दे देते हो, अगर उनको मिलने नहीं दिया जाए या कोई उसके बीच में रुकावट बने, जान दे देते हो, कई वाक़यात हम देखते हैं। तो शदीद उनको शदीद मोहब्बत होती है, तो शदीद मोहब्बत जब फिर अल्लाह से हो जाए हमको, तो फिर ये तड़प अंदर पैदा होगी, तमन्ना पैदा होगी कि कम से कम ये, और ये कितने लोगों की तमन्ना, अब ये तो ठीक है कि वो अल्लाह के मरे फिर उसके बाद अल्लाह से मिले, लेकिन असल में तो ये भी है कि इतना भी ईमान पहुँचा भी नहीं कि हमारा कि ये किसकी तमन्ना है कि वो दुआ करता हो बैठ कर के, अल्लाह तेरी राह में मुझे मौत आ जाए, अस्पताल के पलंग पर नहीं आए, ICU के अंदर सिसक के नहीं आए, तेरी राह में मौत आ जाए, कि तेरी राह में निकलूँ, जरूरी नहीं कि जंगी हो, वो अल्लाह की राह में उसके काम के लिए निकले, दाई थे, दीन पहुंचाने जा रहे थे, उसकी राह के लिए कहीं पर जा रहे थे, कि ये दुआ की हमने कर दी कि तेरी राह के अंदर हमारी मौत आ जाए। अब मौत तो आना भरक है, चाहे जितने मौजूद किले में रहो, अगर ये तमन्ना कोई नहीं करता है कि नहीं अब मौत तो आना ही है ना, तो तमन्ना तो कम से कम ये करके रखे कि अल्लाह तेरी राह में मौत आए मेरे को, बिस्तर पर ना मरूँ मैं सक बीमारियों के अंदर, तेरी राह में मर जाऊँ, ये तमन्ना हमारी पैदा होनी चाहिए, ये मोहब्बत का ताल्लुक है उससे, क्योंकि मौत तो आना ही, वो तो भरक है। अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया कि चाहे तुम कितने ही मजबूत किलों में बंद हो जाओ तो भी मौत आएगी, मौत आती है। बताऊँ आपको, इंदिरा गांधी देश की सर्वोच्च, हमारे प्रधानमंत्री सबसे बड़ा हिंदुस्तान का होता है, PM होता है, और वो सबसे मजबूत किले के अंदर सबसे बड़ी सुरक्षा के अंदर रहता है, लेकिन जब मौत आती है तो वहाँ पर जो जिसको हिफाजत के लिए रखा था उसी ने मार दिया, चाहे वो तो मजबूत किले में थी ना, तो मौत तो हर जगह आती है, कहीं पर भी आती है। जियाउल हक बहुत बड़े लीडर थे पाकिस्तान के, एक बार किसी मीटिंग करके अमेरिका के बहुत सारे उसके अंदर थे, उनके पास बड़े बड़े होदेदार उनके साथ में थे, हवा में मीटिंग हो रही आसमानों के अंदर, आसमान में ही रह गए, किसी का कुछ भी नहीं मिला, सब खत्म हो गया हवा के अंदर ही। तो मौत तो हर जगह आना है, कोई चाहे हवा में हो वहाँ भी मर जाएगा, तो मौत का वक्त तो मुकर्रर है, लेकिन इतनी तो हो उसकी मोहब्बत कि कम से कम ये दुआ ये हमारी तमन्ना हो कि उसके रास्ते में मौत आ जाए, कि तेरे राह में हमको मौत आ जाए, बिस्तर पर ना मरूँ, तो ये फिर दुआ हो। तो फिर अब ये मोहब्बत का पता कैसे चलेगा कि इतनी मोहब्बत कैसे, ये कैसे मालूम, तो उसकी मार्फत से मालूम होगा, कैसे हासिल करे हासिल होगी वो, कि उस तक पहुँच जाए,
हालांकि वो तो हमारे करीब है, ये तो हमको वो हमारी फीलिंग और हमारी मोहब्बत का ताल्लुक उससे वहाँ तक जोड़ना है, यानी तो ये तो करीब। उन्होंने तो कुरान में कहा कि मैं तो तुम्हारी शेर के नबी, मेरे बारे में पूछते हैं कि मैं कितना करीब हूँ, तो कहते तो शेरक से करीब हूँ, तो वो तो बिल्कुल हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे पास है बिल्कुल। असल तो हम नहीं समझ रहे हैं, हम उसको दूर समझते हैं। और ये कैफियत अगर किस में पैदा हो गई तो वो तो वो वली हो गया बहुत बड़ा अल्लाह का। ये सिर्फ वो सोच ले कि मेरे साथ अल्लाह है हर वक्त, अब वो ज़िंदगी में कभी गुनाह नहीं कर सकता, ख्वाब में भी नहीं कर सकता। वो जब उसकी यकीन ही हो जाए कि मेरे साथ अल्लाह है, जो खुद अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारी शेरक से करी, अरे इसके अंदर हर जगह वो मान ले कि अल्लाह है, तो फिर वो कभी गुनाह नहीं कर सकता। तो ये बात अगर हम कह रहे हैं, अब अगर समझते, हर आदमी समझता है, हर मुसलमान समझता है मैं ईमान वाला हूँ, लेकिन समझता है सिर्फ। कुरान में जो अल्लाह ने बताया कि अगर ईमान वाले हो गए तो हम तुमको ज़मीन में इक्तदार देंगे, तो क्या इक्तदार है आज मुसलमानों को कहीं पर? तो क्या दुनिया में एक मुसलमान कोई ईमान वाले ही नहीं बचा फिर इस पोजीशन में? देखे तो इक्तदार ही नहीं, कुरान में तो कहा कि तुम लाजिमन तुमको हम इक्तदार देंगे ज़मीन के अंदर अगर तुम्हारा ईमान है। तो ईमान नहीं है मतलब फिर हम ये जाने के दुनिया के अंदर किसी के पास इक्तदार ही नहीं, कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा, तो अब ये ईमान वाले बचे नहीं। अब उसके बाद भी कह रहे सब सीना ठोक कर मैं तो ईमान वाला हूँ, हम तो ईमान पर हैं, हम ही हक पर हैं, तो फिर गालिब क्यों नहीं है दुनिया के ऊपर? यानी कि फिर ईमान में कमी है? अगर होते तो फिर अल्लाह की बात तो झूठ नहीं हो सकती, बात तो इंसानों की झूठी है, अल्लाह की बात तो झूठ हो ही नहीं सकती। अगर होते तो फिर तुम्हारा इक्तदार होना चाहिए, मतलब कि फिर ईमान वाले नहीं है फिर, या तो हम ये माने। अब ईमान वाला कहता है ये ईमान कैसा है फिर? कैसा ईमान कि इनकी दुआएं सुनी नहीं जाती? आज कौन सी मुसलमानों की दुआएं सुनी जाती? ये ताज़ा वाक्या देख ले आप, किसने सुन ली दुआएं? मैसेज फॉरवर्ड चल रहे हैं, एक दिन पहले मैसेज कब करना था? जब वो अमल हो रहा था, जब बटन दबाने जा रहे थे, तब वो मैसेज चलते कि चलो दुआ करो कि इधर ज़्यादा वोट पड़े हमारे उसमें नहीं पड़े। वोट मशीन में वोट चले गए, सब पैक हो गया, सील लग गया, ताले लग गए, उसके बाद कह रहे ये दुआ पढ़ो, ये सूरा पढ़ो कुरान की, तो अंदर मशीन में चेंज हो जाएगा। अरे वो भी तो वो बेचारे सामने वाली पार्टी कह रही कि इसके अंदर चेंज हो रहा है, और फिर हम दुआ से चेंज कराने बैठेगा तो बाद में पेक हो गया, उसके बाद अब हो जाएगा रिजल्ट चेंज, तो दुआ तो कबूल ही नहीं हो रही। अब जितनी भी दुआ कर रहे हैं, जितनी कर रहे हैं दुआ, जितनी मुसलमान ज़्यादा बहुत दुआएं होती है, और अक्सर दुआ भाई शेख दुआ करा दो, हजरत दुआ करा दो, दुआ के बड़े बड़े लाखों की मजलिसें लग रही, वो सिर्फ दुआ की वजह से लोग जा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, सफर पर जा रहे हैं, ट्रेनें फुल कर दी, बसें फुल कर दी, क्यों? बोले दुआ है, सबसे बड़ी दुआ है, लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं, सबको पर्चियाँ लिख लिख के जा रही, पढ़े जा रहे हैं, इनकी दुआ, इनकी दुआ, इनकी दुआ, ऐसी क्या दुआ होगी? अल्लाह ने तो कुरान में कहा कि दुआ, अल्लाह से दुआ मांगो गिड़गिड़ा कर, चुपके चुपके, और वो माइक से चिल्ला रहे दुआ, इनकी दुआ, इनके नाम की दुआ, इनकी दुआ, ऐसी क्या दुआ होगी? दुआ के अंदर फीलिंग कहाँ से आएगी? तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं उससे, क्या दुआ ऐसी कबूल होगा? बस दुआएं किए जा रहे हो, जितनी दावत दुआ आज कर रहे हैं उतना ज़्यादा गहरा होता जा रहा है, उतनी ज़्यादा मुश्किल बढ़ती जा रही, उल्टा हो रहा दुआ से, कि किसकी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो फिर ईमान किधर है? फिर ये सोचने की जरूरत है, हमारा ईमान है किधर? ईमान वाले तो वो होंगे जो अल्लाह के दोस्त होंगे, ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि ईमान वाले तो अल्लाह के दोस्त है। और बहुत अच्छा दोस्त किसी का, उससे कोई काम करने को कहे तो मना नहीं करेगा, अच्छा दोस्त है आपका, आप उससे कोई काम करने को कहे जो उसके इख्तियार के अंदर हो तो मना ही नहीं करेगा, अच्छी दोस्ती भी नहीं तो दोस्ती क्या काम की थी? अगर अच्छा दोस्त है तो काम ना करे हमारा। तो फिर जब अल्लाह ने कहा कि ईमान वाले अल्लाह के दोस्त है, तो फिर वो दुआ कर रहे हैं, तो क्या अल्लाह का वली कोई दोस्त बचा ही नहीं दुनिया के अंदर? जो दुआ कर रहा है अल्लाह, फिर इसकी काम ही नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं हो रहा। 1967 के अंदर 6 तकरीबन 8-10 मुल्क, 10-12 मुल्क होंगे मुस्लिम मुल्क, ये सारे मिलके एक फौज बनाई इन्होंने, और ये लड़े किससे? यहूदियों से, मस्जिद अक्सा के लिए, बैतुल मुकद्दस के लिए। वो दुनिया की सबसे छोटी जंग थी, 6 दिन में ख़त्म हो गई। इतने सारे मुल्क थे, 20-22 मुल्क थे शायद उसमें गए लड़ने के, सारे मुस्लिम मुल्क उससे लड़े, 6 दिन में ख़त्म जंग, वो घर बैठ गए सारे, मस्जिद उनके पास चले, 1967 से उनके पास में ही है, इतनी जल्दी 6 दिन में ख़त्म था। वो सारे तो पहुंच भी नहीं पाए होंगे वहाँ पे जो लड़ने के लिए गए थे मुसलमान, उससे पहले जंग खत्म हो। ये हमारी हालत हो चुकी है, ये मुसलमानों की हालात ये हो रहे। तो और ये बात तो आज किसी को मालूम भी नहीं होगी कि 1967 के अंदर कहीं तो पैदा ही नहीं हुआ, मैं भी नहीं हुआ था,
लेकिन जो पुराने से पूछेंगे तो बताएंगे कि वो जो इतनी तड़प थी मुसलमानों में उसके लिए, जब वो मस्जिद वो जंग हो रही थी और उसके लिए, तो लोग कहते हैं पुराने बुजुर्ग के और पुराने जो आलिम लोग जो बताते हैं कि मस्जिद ये हरम का जो काबा का जो गिलाफ था, ये लोगों ने आंसुओं से तर कर दिया, इतना रो रो के कि ये मस्जिद हमारे हाथ से ना जाए, इतनी मोहब्बत शरीफ मोहब्बत थी मुसलमानों को उस मस्जिद से। आज तो हम नहीं जानते उस वक्त के बारे में, भाई तस्करी ही नहीं किया जाता है, बल्कि लोगों को तो आम को तो पता भी नहीं होगा कि इससे हमारा कोई ताल्लुक भी है। बस ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारा महीना आ जाता है, कुंडे का महीना ही कहते हैं हम उसको आमतौर पर, जब ही समझते लोग, जिसमें मिराज का वाकया सुनाया जाता है कि मिराज हुई थी, तो उसके अंदर बताते हैं भाई मस्जिद अक्सा से लेके कुरान की सूरह इसरा की आयत आती है कि भाई वो हरम से जो उनको बैतुल मुकद्दस ले गए, तो उसके अंदर बताया जाता है, तब जिक्र आ जाता है, नहीं तो उसके बारे में, नहीं तो मोहब्बत इतनी थी कि दुनिया भर के लोगों ने उसके लिए दुआएं मांगी, तड़प तड़प के दुआएं मांगी मदीना और दुनिया भर के तमाम लोगों ने, लेकिन उसके बाद भी वो उनके हाथ में नहीं आई। और वैसा का वैसा ही मामला बाबरी मस्जिद का भी, उसके लिए कौन सा मुसलमान है जिसने तड़प के दुआ नहीं करी, सब ने करी, लाइव चल रहा था उसका टीवी के ऊपर जब वो शहीद की जा रही थी, तब भी वो देख रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं वहाँ से, अल्लाह बचा ले अल्लाह बचा ले, हरम में हो रही है, मस्जिद नबी के अंदर हो रही है, सब दूर जा जा दुनिया के मुसलमान, उसके बाद भी क्या हुआ, कुछ नहीं, फिर भी कुछ नहीं, वो भी चली गई हमारे हाथ से। तो फिर अब धीरे धीरे वो उसके बाद मस्जिद अक्सा की भी थी, उसके बाद रोज़ दुआएँ करते थे उसके लिए, जो है कुनूत नाजिला भी पढ़ी गई, सब किया गया, फिर वो पाँच नमाज के हर नमाज के बाद में दुआ की जा रही, फिर जुम्मे जुम्मे हुई, फिर ईद ईद पर हुई, अब तो होती ही नहीं। ऐसे ही बाबरी मस्जिद का हाल भी हो गया, शुरू शुरू में था, अब कौन याद करता, अब कौन मेरे समझता नहीं कि जुम्मे के अंदर या ईद के अंदर भी कोई नाम ले ले कि बाबरी मस्जिद हमको मिल जाए, भूल गए लोग सब, चले जाओ। तो ये सब हुआ। अब ये हर मुसलमान वली हो सकता है, अब ये तो वली नहीं बचे, लेकिन हो तो हर सकता है, हर मुसलमान हो सकता है। ये है कि कब होगा, जब पहले अल्लाह की जात से उससे ताल्लुकात पैदा करें, उससे वो ताल्लुकात पैदा करें तो फिर हो सकता है। तो मिलने की तमन्ना हो, ताल्लुकात कब पैदा होंगे, जब उससे मिलने की तमन्ना हो। वो मोहब्बत कब होगी, जब उससे हम मिलेंगे, वो बगैर मिले मोहब्बत हो नहीं सकती, तो उससे मिलना भी ज़रूरी। तो कैसे उससे मिलेंगे, फिर इंशाल्लाह वो तो मैं बाद में बताऊँगा। कि जो अभी ये कि बात तो यह है कि 50 सालों से मुसलमानों की कोई दुआ कबूल नहीं हुई, वो उनके हालत गिरते से गिरते जा रहे हैं। तो या तो फिर यह है कि इसके अंदर कोई वली नहीं गुजरा 50 सालों के अंदर जिसकी दुआ कबूल होती, किसी एक की तो हो जाती, किसी की भी नहीं, दो ही कबूल नहीं होती। तो सबसे पहले कि मुलाकात की तमन्ना हो, उससे मुलाकात की तमन्ना होगी तो फिर उससे मोहब्बत होगी, और उससे मोहब्बत होगी तो फिर ईमान मुकम्मल होगा। अब उससे मोहब्बत क्या है, तो इंशाल्लाह हम आने वाले जो हमारा दर्स होगा 23वीं रात, उसमें फिर मैं ऐसी बातें रखूँगा, अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो उसके अंदर फिर मैं कि अल्लाह से मोहब्बत का ताल्लुक़ क्या और कैसे पैदा करें, उससे मुलाकात कैसे होती है और हो सकती है उससे मुलाकात, बताया हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे मुलाकात की जा सकती है, करते थे साहब उनसे मुलाकात, उसी से उनके अंदर इतनी मोहब्बत थी कि एक आवाज़ पर जान देने को चले जाते, ये जानते थे उस चीज़ को। हम सिर्फ कलमा पढ़ते हैं, हम उसके तकाजे को नहीं जानते कि वो मान क्या। तो इंशाल्लाह वक्त भी हो चला है, बहुत बहुत धमाना अलहमदिल्ला।